Good evening, everyone. Hope you all are good and safe from COVID. And this is Amit. I'm welcoming you all in this beautiful session. आज का हमारा ये session है important role of free trade agreements in export-import business के ऊपर. तो सबसे पहले मैं जितने भी participants हमारे साथ जुड़े हुए हैं, more than 60 participants. I'm welcoming you all and thank you for participating this webinar. दोस्तों आज के इस सेशन के दौरान हम बात करने वाले हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में क्या रोल है. हालांकि जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि इट इज़ द वेरी ह्यूज एरिया टू बी फोकस्ड. शायद इंडिया का जो पोटेंशियल है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर उतना ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे हम काम नहीं कर रहे हैं. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आने वाले सालों के अंदर डेफिनेटली इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो शार्पली इंक्रीज होगा. हम दुनिया की जो कॉम्पिटिटिव मार्केट से उसको टच कर पाएंगे, उसको कॉम्पीट कर पाएंगे. एंड उस काम को करने के लिए बेसिकली ज़रूरत है अलग अलग उसके जो पैरामीटर्स है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के रिलेटेड उसे समझने की, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने लिया है जिसका नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड वी कैन से MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो वेबिनार चालू करने से पहले वंस अगेन आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन विच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय भारत उड़ान मिशन. सो भारत उड़ान मिशन हमारा एक मिशन है जिनके द्वारा हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं. एंड माइसेल्फ अमित मूलानी, प्रोफेशनली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले 7 सालों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ. हमारी कंपनी का नाम है एटलांटिको इंटरनेशनल जिनके थ्रू हम एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं. हमारा मेन डोमेन मेडिकल सर्जिकल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स एंड बेवरेजेस प्रोडक्ट है जिनके ऊपर हम एक्सपोर्ट का काम करते हैं. अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के सेशन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो पिछले 5 सालों से मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बेसिक्स के ऊपर अलग अलग बहुत सारे वेबिनार्स एंड सेमिनार ले चुका हूँ. और ये पर्टिकुलर वर्क जो मैं कर रहा हूँ उसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों तक रियल इन्फॉर्मेशन जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है इसके रिगार्डिंग पहुँचे. तो चलिए दोस्तों, मैं बेसिकली सूरत से हूँ. बहुत सारे लोग आज सूरत से भी जुड़े होंगे और बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट से भी होंगे. तो डेफिनेटली अवर मेन फोकस इज दैट कि किस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसका बेनिफिट एक्सपोर्ट के बिजनेस में और इम्पोर्ट के बिजनेस में लिया जाए और आगे जाके इसके अंदर से रेवेन्यू जनरेट की जाए. यस, आज हम जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस इंडिया की जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है वो बहुत अच्छी तरह से बूमिंग हो रही हैं. बहुत सारी प्रोडक्ट के अंदर हम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बनाने लगे हैं और उसके अलावा आने वाले टाइम के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड पहुँचाएंगे. अभी जो हमारा पोटेंशियल है शायद उस एक्सटेंड से इस होरिजोन को हम चेक नहीं कर पाए हैं या तो उस होरिजोन को हम पकड़ नहीं पाए हैं. लेकिन जिस पेस से हम आगे बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट जिस तरह से एक्सपोर्ट को लेके कंसर्न है और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके पोर्ट की जो प्रोसीजर्स है उनको स्मूथ कर रही है, आने वाले सालों के अंदर डेफिनेटली इंडिया जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ चाइना हो सकता है. एंड जिसकी शुरुआत आज धीरे धीरे हो रही है. दोस्तों आई नो दैट कि आपके बहुत सारे सवाल इन बिटवीन होंगे, लेकिन मैं अगर बीच में सवाल लेना चालू करूंगा तो आई थिंक ये जो वेबिनार है वो 3 घंटे में भी खत्म नहीं होगा. तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन दैट कि प्लीज़ आप अपने जो सवाल है आप अपने पास अभी के लिए वो नोट डाउन करके रख लीजिए. वेबिनार के अंत में हम डेफिनेटली इसके ऊपर बात करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा. सो लास्ट 15 to 20 मिनट वी विल टेक दी क्वेश्चन आंसर सेशन. सो जस्ट डोंट वरी, आप अपने क्वेश्चन जो उसको नोट डाउन कर लीजिए एंड वी विल फोकस ऑन दैट लेटर इन द सेमिनार. ओके, सो गाइज आज के जो सेमिनार की इंडेक्स है सबसे पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या देखने वाले हैं आगे के एक या तो सवा कलाक के अंदर, जिसके अंदर मेनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसे कहा जाता है, व्हाट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कितने टाइप्स के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं और वर्ल्ड वाइड जो सबसे मेगा ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो कौन कौन से हैं. अगर हम बात करें RCEP की तो RCEP की क्या है और अल्टीमेटली इंडिया का इसमें जो रोल था वो क्या था और इंडिया ने इसको विड्रॉ क्यों किया है. यस, सो इंडिया के जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं. ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है SPS एंड TBT यानी कि सैनिटरी सर्टिफिकेट.
एंड इसके अलावा टेक्निकल बैरियर इन ट्रेड, तो ये क्या होता है एंड कॉम्प्लायंसेस कौन कौन से रिक्वायर्ड है जब आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूज करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्चुअली है क्या। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स टू, वन सेकेंड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स टू रिमूव और रिड्यूस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स बिटवीन द कंट्रीज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इटसेल्फ इट सेइंग दैट कि जो आप कोई प्रोडक्ट को यहाँ से बाहर के कंट्री में भेजते हैं और बाहर से कंट्री से आप इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट को लेके आते हैं, तो जब हम ये दोनों कंट्री की अंदर जो भी प्रोडक्ट का हम ट्रेडिंग करते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं दोनों कंट्री ने उसके टैरिफ के ऊपर कुछ रिडक्शन किया हुआ है या तो टैरिफ को हटाया गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैं वियतनाम को यहाँ से कोई इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ और वियतनाम मुझे यहाँ पे कोई कॉफ़ी या तो टी वगैरह कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये दोनों कंट्री के बीच में ट्रीटी है कि जब मैं वियतनाम को कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूँ जो ट्रीटी के अंडर आती है, तो वियतनाम उस प्रोडक्ट के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी को जीरो करेगा या तो उसको रिड्यूस करेगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर चाइना से वियतनाम में कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भेजता हो और उसके ऊपर वियतनाम का ड्यूटी 50% है, लेकिन इंडिया और वियतनाम के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि अगर वही इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में इंडिया से वियतनाम को भेजू तो वियतनाम ने इस प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया के लिए कुछ कंसेशन दिया है ड्यूटी में और हो सकता है कि वो 20% 30% हो। तो डेफिनेटली अगर वो 30% कंसेशन है तो आपका ये प्रोडक्ट वियतनाम के अंदर 20% इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पे 20% उसके ऊपर ड्यूटी लगाया जाएगा। सो जो 30% का आपको कंसेशन मिला उसकी बदौलत कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट वियतनाम में सस्ता एंटर होता है और आप दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज है उसको कॉम्पीट कर सकते हैं। सो दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि दोनों कंट्री के बीच में जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें से कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो अल्टीमेटली इंडिया ने कंसेशनल रेट पे वियतनाम के लिए तैयार की है और वियतनाम ने कुछ प्रोडक्ट इंडिया के लिए कंसेशनल रेट में तैयार की है, और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तैयार होते हैं तो उस वक्त ये प्रोडक्ट का पूरा स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट का जो भी पूरा लिस्ट है वो तैयार किया जाता है। सो अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इंडिया के जो अलग अलग एग्रीमेंट से उसकी बात करें तो तकरीबन 60 से ज़्यादा अलग अलग कंट्री के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है उसको आप जब अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से खाली बेनिफिट ही होता है, इनसे कंट्री को लॉस भी होने के चांसेस है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर मैं कोई ट्रीटी चाइना के साथ करता हूँ और चाइना के साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर तैयार होता है, जैसे कि आरसीईपी के अंदर चाइना के साथ हमारा एक मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें 13 से 14 अलग अलग कंट्रीज थे जिसमें से इंडिया भी एक पार्टिसिपेंट के तौर पे था, और उस वक्त इंडिया ने इस पर्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट से विड्रॉ किया था, वो इसलिए कि अगर हम अल्टीमेटली चाइना को ये एक्सेस दे दे कि हमारे मार्केट के अंदर आप अगर प्रोडक्ट को लेके आएंगे तो हम आपको ड्यूटी फ्री स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, तो बट ऑब्वियस है हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में आपको आगे बात करूंगा, अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जनरली उन कंट्री के बीच में अगर हो जो दोनों कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को तैयार एक साथ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं और श्रीलंका, मानी कि इंडिया और श्रीलंका दोनों कंट्री अगर कोई एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और दोनों कंट्री उस प्रोडक्शन के अंदर आगे है, तो बट ऑब्वियस है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ट्रीटी में इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं तैयार कर रहा हूँ वही प्रोडक्ट श्रीलंका तैयार करता हो तो बट ऑब्वियस है वो प्रोडक्ट को एक दूसरे के कंट्री के अंदर जब हम बेचेंगे तो बट ऑब्वियस है कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा। सो दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कंट्री के साथ कर दिया और उसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा। हालांकि आज हम फोकस करने वाले हैं कि इससे हमको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में या तो इंपोर्ट के बारे में, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अगर रोल को हम समझेंगे तो बट ऑब्वियस है वी विल गेट अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट इन फ्यूचर ट्रेड। जब इंडिया ने और अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया के साथ बहुत सारे अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं तो उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और उस बेनिफिट को कैसे हम हमारे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्टीमेटली ये हमारा आज का फोकस है। सेकेंडली इट कुड बी बायलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड, यानी कि जो एग्रीमेंट्स आपके और दूसरे कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं इसमें एक तो इसके दो जनरल प्रकार है, एक बायलेटरल एंड दूसरा मल्टीलेटरल। बायलेटरल मतलब
आपका यानी कि इंडिया का कोई एक कंट्री के साथ सेपरेट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे इंडिया चिली हो गया, इंडिया जापान हो गया, इंडिया श्रीलंका हो गया, इंडिया थाईलैंड हो गया, इट कुड बी एनीवन, या जो अवेलेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है। और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें एक दो से ज्यादा कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आरसीईपी रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन द इकोनॉमिकल पार्टनरशिप, जिसके अंदर 15 से ज्यादा कंट्रीज है। उसके अलावा आफ्टा, जिसके अंदर 12 से ज्यादा कंट्रीज है यूरोपियन एंड अमेरिकन यूनियन के। इसके अलावा मार्कसर, जिसके अंदर 6 कंट्रीज है, पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील वगैरह सब। सो दीज कॉल्ड अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, जिसके अंदर एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व है और उनके बीच में कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ऐसे ट्रेड पैक्ट है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का इस तरह से जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है उसको उसके अंदर एक है आसियान, आसियान मतलब ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसके अंदर तकरीबन 11 कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी एक पार्टनर कंट्री है। तो चलिए दोस्तों और डिटेल में इससे बात करते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो डेफिनेटली देर आर सेवरल एडवांटेज अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी कंट्री के साथ करते हैं तो हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है एक्सपांड द एक्सपोर्ट मार्केट। बट ऑब्वियस है कि जब आप कोई कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं या तो कोई कंट्रीज के क्लस्टर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट को सामने वाले कंट्री के क्लस्टर में या तो सामने वाले कंट्री के अंदर एक फ्री एक्सेस मिलता है, ड्यूटी फ्री का आपको बेनिफिट मिलता है, या तो ड्यूटी रिडक्शन के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, तो आप अपनी प्रोडक्ट के लिए एक बहुत अच्छा मार्केट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों खाली उस कंट्री के लिए भी नहीं, बट अगर आप री एक्सपोर्ट के तौर पे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखेंगे तो उसका भी बड़ा बेनिफिट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थाईलैंड के अंदर इंडियन श्रीम्प जो है, अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं इंडियन श्रीम्प को थाईलैंड के अंदर, इसकी रीपैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत ही एडवांस है। तो इंडिया के अंदर ये रीपैकेजिंग इंडस्ट्री इतना अच्छा नहीं है, मतलब वो एक्सटेंड लेवल की टेक्नोलॉजी हम आज यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि श्रीम्प का वर्ल्ड वाइड डिमांड बहुत अच्छा है। बट उनके कुछ क्वालिटी कॉम्प्लायंसेस को अगर हम देखें तो इंडिया इतना कॉम्पिटिबल नहीं है, तो हम यहाँ से श्रीम्प को थाईलैंड के अंदर जब एक्सपोर्ट करें तो थाईलैंड के अंदर वो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट होता है। अब मान लीजिए थाईलैंड के अंदर उसको हमने रिपैकेजिंग किया और प्रॉपरली उसके जो कॉम्प्लायंसेज है वो क्रिएट किए, एंड देन उसको रीएक्सपोर्ट किया दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में, जैसे चाइना हो गया, उसके अलावा उसके आजू बाजू की कंट्री जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, उसके अलावा ताइपे हो गया, यस जापान हो गया, कोरिया हो गया। तो ये सारे कंट्रीज के अंदर जब हम थाईलैंड से हमारी प्रोडक्ट को रिपैकेजिंग करके एक्सपोर्ट करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल दैट कि वहाँ पे भी ड्यूटी कंसेशन मिलेगा और इंडिया का प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड पहुँचेगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका जो एक्सपोर्ट मार्केट है ना, वो सामने वाले कंट्रीज में एक्सपांड होता है और अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड ड्यूटी फ्री और कंसेशन के साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, रिड्यूस द इम्पोर्ट इनपुट कॉस्ट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बेनिफिट। जैसे कि आपको सामने वाले कंट्री के अंदर ड्यूटी फ्री का एक बेनिफिट मिलता है, उसी तरह से ट्रीटी के अंदर सामने वाले कंट्री की प्रोडक्ट को भी इंडिया के अंदर जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो आपको भी उसके हिसाब से ड्यूटी फ्री करना पड़ेगा, ड्यूटी को रिडक्शन करना पड़ेगा। और जब हम इसकी बात करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर जब हम कोई प्रोडक्ट को इनपुट करते हैं तो बंद हो सकता है कि इसके अंदर जो ड्यूटी है उसको रिडक्शन करके हम उसको इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे, उसके ऊपर का जो ड्यूटी है उसको बात करके अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट जो है कॉस्ट इफेक्टिव इंडिया के अंदर एंटर होगा, तो हमारा जो फिनिश गुड्स है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव तैयार होगा और वो कॉम्पिटिटिव तौर पर तैयार करेंगे तो वर्ल्ड वाइड मार्केट में उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस से हम बेच पाएंगे। तो जैसे हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं उसी तरह से इम्पोर्ट के अंदर भी हम इसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। हेल्प बिजनेसेस इन्वेस्ट ओवरसीज मोर इजीली, जब हम इंडिया से बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहें तो बट ऑब्वियस इसके अंदर भी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे कि इंडिया से अगर मैं बाहर के कंट्री में कोई मशीनरी सेटअप करता हूँ या तो फैक्ट्री सेटअप करता हूँ, एंड उसके बाद जब मैं इंडिया से रॉ मटेरियल को वहाँ पे इम्पोर्ट करूँगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि इंडिया का बुरुंडी के साथ, ये अफ्रीकन कंट्री है बुरुंडी, उसके साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट है, यस, और मैं कल के टाइम में एक वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूँ पैकेजिंग के लिए, और आज मैं अगर बुरुंडी के कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करता हूँ विदाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिलेटेड टू प्लास्टिक इंडस्ट्री, तो हो सकता है कि इसके ऊपर उनका जो ड्यूटी है वो 50% हो। लेकिन इंडिया और बुरुंडी के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके अंदर ड्यूटी को बुरुंडी के अंदर जब प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करेंगे तो जीरो किया गया है, तो मैं जब कल बुरुंडी के अंदर फैक्ट्री लगाऊंगा तो बट ऑब्वियस है
जब मेरी प्रोडक्ट मैं इंडिया से इंपोर्ट करूंगा बुरुंडी के अंदर, तो ड्यूटी जीरो होगा। अब अगर ड्यूटी जीरो होगा तो जो फिनिश गुड तैयार होगा, बट ऑब्वियसली वो फिनिश गुड जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा, और मैं लोकल मार्केट मतलब बुरुंडी के मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेल कर पाऊंगा विदाउट एनी कॉम्पिटिशन। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल मैंने इंपोर्ट किया था बुरुंडी के अंदर मेरी फैक्ट्री के लिए, वो मुझे ड्यूटी फ्री मिला है। तो जब कोई भी बिजनेसमैन फॉरेन कंट्री के अंदर इंडिया से अगर इन्वेस्ट करता है जहां पे हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, तो बिजनेस सेटअप के अंदर भी उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। उसी तरह से हम फॉरेन बायर को भी, फॉरेन इंडस्ट्रीज को भी इंडिया के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इंडिया के अंदर उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट के द्वार है, इन्वेस्टमेंट के जो डोर है वो ओपन कर सकते हैं। तो वो भी इंडिया के अंदर फैक्ट्री को सेटअप करके कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट को डेवलप कर सकता है, और इंडियन मार्केट को जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो प्रोड्यूस करके इंडियन मार्केट में वो प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। दोस्तों, एक्सेस टू द ओवरसीज सर्विस मार्केट, हालांकि अभी तक जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते थे उसके अंदर प्रोडक्ट के अलावा सर्विस को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, बट पिछले 3-4 सालों से सर्विस को एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व किया है। जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्विस के अंदर हम बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, उसके अलावा मान लीजिए कि जॉब के लिए कोई बंदों को अगर रिक्वायरमेंट है, कोई कंट्री के अंदर बंदों की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा आप टैक्सेशन सर्विस भी दे सकते हैं, आर्किटेक्चरल सर्विस भी दे सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस भी दे सकते हैं। तो ऐसी जो सर्विसेज सेक्टर थी ना, वो पहले एग्रीमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं थी, बट पिछले कुछ सालों से अलग अलग कंट्री के बीच में इस तरह के ट्रेड पैक्ट भी तैयार हो रहे हैं जिसके अंदर सर्विसेज को भी फोकस किया गया है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिनको स्पेसिफिक कंट्री के अंदर ज्यादा फोकस किया गया है, और अलग अलग कंट्री से सर्विस को जब इम्पोर्ट करते हैं तो उस वक्त उसके ऊपर भी ड्यूटी फ्री इसका बेनिफिट जो है वो दिया जाता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कुछ डिसएडवांटेज भी पॉसिबली है, जैसे कि फॉरेन गुड्स जो है वो कोई भी कंट्री के अंदर अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है तो बट ऑब्वियस है लोकल इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगा, और लोकल इंडस्ट्री जो है वो सफर करेगी। बट ऑब्वियस है ना, मान लीजिए कि इंडिया के अंदर हम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे एक्सटेंड पे आज हम प्लास्टिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करके उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर कल मैंने चाइना को फ्री एक्सेस दे दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो बट ऑब्वियस है चाइनीज प्रोडक्ट का यहाँ पे डंप जो है वो बहुत फास्ट मोमेंट में चालू होगा, और अगर वो डंप करना चालू करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है कि उसको टेकल कर पाए। अगर हम कॉम्पिटिटिव होते तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं आता, चाहे वो जितना भी डंप कर ले, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं आता, बट वी आर नॉट दैट मच कॉम्पिटिटिव टिल द डे। एंड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई कंट्री को फ्री एक्सेस दे रहे हैं प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, तो हमको ये भी चेक करना बहुत जरूरी है कि वो प्रोडक्ट लोकल मार्केट के अंदर किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, एंड अल्टीमेटली अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई अफेक्शन इंडस्ट्रीज को आता है तो हम इसे इंपोर्ट की फ्री परमिशन नहीं दे सकते। सो ये उसका डिसएडवांटेज है। बट हालांकि जब आप कोई कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको उनको फ्री एक्सेस देना पड़े, तो सोच समझ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो जब डेवलप होते हैं तो उसके अंदर 8-10 साल का टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसके अंदर चेकिंग करना कि इसके अंदर क्या क्या अल्टीमेटली बेनिफिट्स एंड नॉन बेनिफिट्स है, तो इट विल टेक टाइम। एंड डेफिनेटली इसकी बदौलत बहुत सारे जो अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो मैंने बताया उस तरह से 5-7-10 साल का टाइम लेते हैं। यस, नॉन टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस द अपॉर्चुनिटीज, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए, नॉन टैरिफ बैरियर एक ऐसी चीज है जो अलग अलग कंट्री के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर लगाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूँ इंडिया से कोई प्रोडक्ट को मैंने फॉरेन कंट्रीज में टारगेट किया, फॉरेन कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट किया, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से इंडियन टी को मलेशिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो प्रिफरेबल एग्जाम्पल है, जैसे कि लेटेक्स रबर। इंडिया इज द वन ऑफ द लार्ज वी कैन से प्रोड्यूसर ऑफ लेटेक्स रबर। लेटेक्स रबर का हमारे यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन है, और वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो लेटेक्स रबर। हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लेटेक्स रबर की प्रोडक्ट जो बनती है वो मलेशिया के अंदर बनती है, और वो भी इतना ही लार्ज प्रोड्यूसर है, और मलेशिया फर्स्ट नंबर का लार्ज प्रोड्यूसर है लेटेक्स रबर का। तो मैं जब लेटेक्स रबर को मलेशिया के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहूंगा तो बट ऑब्वियस है वहां की लोकल इंडस्ट्रीज को तकलीफ होगी, और इसकी बदौलत मलेशिया ने हमारी प्रोडक्ट के ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर लगाए। अब देखिए, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है,
मान लीजिए दोनों कंट्री के बीच में जो भी ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा है कि आपका जो प्रोडक्ट है लेटेक्स रबर, वो जब मलेशिया में इंपोर्ट होगा तो हम उसके ऊपर ड्यूटी जो है उसको रिड्यूस करेंगे। मान लीजिए कि एवरेज ड्यूटी 30% है मोस्ट फेवर्ड नेशन के हिसाब से, बट हम आपको 5% का एक्सेस देंगे। यानी कि आप जब इंपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट को, आपकी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे हमारे कंट्री में, तो हम इसके ऊपर 5% ड्यूटी एप्लीकेबल करेंगे। पर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, उन्होंने 5% एक्सेस तो दिया बट प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्प्लायंसेस इतने रेज कर दिए कि आप वो कॉम्प्लायंसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्ट को वहां पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मलेशिया ने अल्टीमेटली क्या किया कि जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही है इसकी रिगार्डिंग कॉम्प्लायंसेस को हायर कर दिया। कॉम्प्लायंसेस माने सर्टिफिकेट्स, उसके अंदर इंजीनियरिंग पैरामीटर्स के सर्टिफिकेट, मान लीजिए क्वालिटी पैरामीटर्स के सर्टिफिकेट, देर आर सेवरल थिंग्स जो इंक्लूड होती है इसके अंदर। तो वो कॉम्प्लायंसेस जब उन्होंने हायर कर दिए तो बट ऑब्वियसली प्रोडक्ट के कॉम्प्लायंसेस जब क्लियर नहीं होंगे तो कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं होगा। तो इन दैट वे जब हम नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करते हैं तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, और इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कोई भी डिस्कशन नहीं है कि आप नॉन टैरिफ जो रेट्स है उसके ऊपर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, इसकी रिगार्डिंग कोई क्लियरेंस नहीं है। यस, ऑल द एफटीएज आर डिफरेंट एंड मस्ट बी एग्जामिन सेपरेटली। तो जैसे अलग अलग कंट्री के बीच में अलग अलग जब हम ट्रेड फेयर की बात करते हैं, सॉरी ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक एग्रीमेंट का कोई ना कोई ऐसा मतलब पहलू होगा जिसको अगर फोकस नहीं करेंगे तो दोनों में से कोई भी कंट्री को आगे जाके प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि इट इज टेकिंग टाइम, बिकॉज जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अनाउंस करते हैं और उसको जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके पहले हम दोनों कंट्री के इन बिटवीन नेगोशिएशन होता है प्रोडक्ट के बारे में, उसकी जो भी अलग अलग ड्यूटीज है उसके बारे में, उसके बाद एक फाइनल रेट से हम ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट के बारे में कि कितने टाइप के अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में। जिसमें सबसे पहला है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम वन काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही बोलते हैं, बट इसका नाम है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये एक बेसिक डिफरेंस है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है ड्यूटी फ्री के अंदर या तो ड्यूटी कंसेशन के अंदर, उनका एक लिमिट होता है, जैसे कि 400 प्रोडक्ट, 500 प्रोडक्ट, 700 प्रोडक्ट, ये लिस्ट होता है। जबकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो आपका प्रोडक्ट होता है उसमें से 90-95% प्रोडक्ट जो है वो ड्यूटी फ्री होता है या तो ड्यूटी कंसेशन में होता है। तो ये एक सबसे बड़ा फर्क है दोनों के बीच में कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं जिसका एक लिस्ट होता है 400-500 प्रोडक्ट का, और दोनों कंट्री एक दूसरे को ऐसा एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको कंसेशनल ड्यूटी या तो ड्यूटी फ्री से आप एक्सपोर्ट या तो इम्पोर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली नेगोशिएशन जो होता है ना वो ईजी होता है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत कम है ना, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं होती है। दोनों कंट्रीज कॉम्पिटिटिव जो नहीं है ऐसी प्रोडक्ट के अंदर कंसेशनल देते हैं, मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। 10-20% रिडक्शन होता है इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर, हालांकि अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तो उसके अंदर आपका जो रिडक्शन है ड्यूटी का वो 0% तक भी होता है बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर। जबकि अगर हम पीटीए की बात करें प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की, तो इसके अंदर मैक्सिमम 10-20% तक प्रोडक्ट के अंदर कंसेशनल ड्यूटी रेट दिया जाता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए मैंने यहाँ से चिली को कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया और वो प्रोडक्ट के इम्पोर्ट पे चिली रेगुलर ड्यूटी 50% लगाता है, और उन्होंने मेरे साथ जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं उसके अंडर में 20% का रिडक्शन दिया है, तो मेरा प्रोडक्ट जब वहां पे पहुंचेगा तो उसके ऊपर ड्यूटी 30% लगेगा, जबकि अगर और कंट्री से वो प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा तो उसके ऊपर ड्यूटी 50% लगेगा। तो मुझे ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर 10-20% और कई बार 30-40 भी मिलता है, बट वेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर। यस, तो इट इज गिवन एंड बट ऑब्वियस उन प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा कंसेशन रोल लगेगा जो प्रोडक्ट वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है और जो वहां के लोकल मार्केट की रिक्वायरमेंट है, तो बट ऑब्वियस उसके अंदर रिडक्शन आपको ज्यादा मिल सकता है। सो अगर हम बात करें पीटीए की, तो हमारे चिली, मरकसर एंड उसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज है जिनके साथ पीटीए ट्रेड एग्रीमेंट है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उसी तरह से दूसरा ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले कंट्री के साथ जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उसके साथ जितनी भी इंडिया से एक्सपोर्टेड या तो वहां से इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उनमें से 90-95% प्रोडक्ट के अंदर आपको ड्यूटी फ्री या तो ड्यूटी रिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। तो आप मोर देन 90-95% प्रोडक्ट में ड्यूटी फ्री और ड्यूटी कंसेशन का बेनिफिट ले सकते हैं।
उसके अलावा इसके अंदर जो ड्यूटी का रिडक्शन होता है ना, वो एक लॉन्ग फेज में होता है, जैसे कि 10 साल 15 साल के अंदर आपका ड्यूटी जो है वो 10% से लेके 0% तक जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आज श्रीलंका और इंडिया के बीच में FTA है और हमने आज अगर ट्रीटी को साइन किया है तो अगले आने वाले 15 सालों के अंदर जो भी प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी है ना उसको रिड्यूस किया जाएगा। आज अगर मान लीजिए ड्यूटी 20% लग रहा है तो धीरे 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 साल भर साल वो कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां से ड्यूटी जीरो हो जाएगा और उसके बाद जब तक की ट्रेड एग्रीमेंट रहते हैं तब तक इसका ड्यूटी जीरो हो जाता है। सो देयर आर सेवरल कंट्रीज जिनके साथ आज हमारा इस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें ड्यूटी जो है वो साल भर साल कम होके आज जीरो पे आ गया है और हम वो प्रोडक्ट को जब एक्सपोर्ट करते हैं या तो वहां से इंपोर्ट करते हैं तो हम जीरो ड्यूटी के अंदर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर दो तरह के लिस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव लिस्ट और एक होता है नेगेटिव लिस्ट। जिसके अंदर ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है, ड्यूटी कम हुआ या तो जीरो हुआ है, इसे हम पॉजिटिव लिस्ट बोलते हैं और जिसके अंदर ड्यूटी का रिडक्शन नहीं हुआ है उसे हम नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं। तो बट ऑब्वियसली पॉजिटिव लिस्ट के अंदर 90% से ज्यादा प्रोडक्ट है जबकि नेगेटिव लिस्ट में 5-10% प्रोडक्ट ही अवेलेबल है। यस, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप कोई भी कंट्री के साथ जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो इसके साथ आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप कोई भी कंट्री को ये फ्री ट्रेड का कंसेशनल रेट का कंसेशनल ड्यूटी का बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कंसेशनल रेट मिल गया तो बट ऑब्वियसली सामने वाला कंट्री जो है वो आपके कंट्री में प्रोडक्ट को लिटरली डंपिंग करेगा और आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको कंप्लीटली वो वी कैन से डिवास्टेट करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड दैट कि ऐसी अगर हम कोई प्रोडक्ट की बात करें इंडिया के लिए तो इंडिया ने ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर फोकस किया है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स है ना इसको इसके अंदर से बाकात रखा जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो डेयरी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। या और अगर हम बात करें इंडिया की तो एग्रीकल्चरल के अंदर हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अलग अलग प्रोडक्ट के जो हम एग्रीकल्चरल के अंदर यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। और आप सब जानते हैं कि बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो है वो आज खेती के साथ जुड़ी हुई, मोर देन 50%, तो हमारा प्रोडक्शन भी एवरी ईयर सरप्लस होता है। पर अगर हमने ये मार्केट को ओपन कर दिया तो बट ऑब्वियसली बाहर से कंट्री से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डंप होना चालू होगी, वो भी कंसेशनल ड्यूटी में, और हमारा जो लोकल मार्केट है उसको अफेक्ट करेगी। तो आज हमारा फोकस ये है कि जो सरप्लस प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, जो कुछ तैयार कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट करें, ना कि इसके अंदर इम्पोर्ट की कॉम्पिटिशन बढ़ाए। और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट आज इंडिया के अंदर मोर देन 1,86,000 अलग अलग ऐसी सहकारी मिल्क मंडलीज है जो अलग अलग जो ये फार्मर्स है और जो ये पशुपालक है इनके पास से मिल्क को परचेज करती हैं, उसको पूरा प्रोसेस करती है, पैचुराइजेशन वगैरह, एंड उसके बाद उसको लोकल मार्केट में सप्लाई करती है। तो अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन के अंदर तो इंडिया का जो नंबर है वो तकरीबन 12वें या 13वें नंबर पे है जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है। अगर हमने मान लीजिए न्यूजीलैंड या तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए और उसमें डेयरी प्रोडक्ट को हमने फ्री एक्सेस दिया वहां से इंपोर्ट के वक्त, तो बट ऑब्वियसली न्यूजीलैंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क, एंड अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, जिनका प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो बट ऑब्वियस वहां पे सरप्लस प्रोडक्शन इतना होता है कि ये आज पूरी दुनिया के अंदर मिल्क एंड मिल्क पाउडर को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर हमने इंडिया का मार्केट ओपन कर दिया तो वो इस प्रोडक्ट को बहुत सस्ते दाम में डंप करना चालू करेंगे एंड डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि इंडिया के अंदर जो सब बड़ी बड़ी सहकारी मंडली है जो मिल्क के बेस पे है, अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो अमूल जैसी कंपनी को भी शट डाउन करना पड़े ऐसी हालात हो जाए, क्योंकि इम्पोर्ट करके जब उनकी प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में पहुंचाया जाएगा तो वो यहाँ से लोकल प्रोड्यूस जो होता है उनसे सस्ता पड़ेगा, और अगर वो सस्ता और क्वालिटी वाला होगा तो बट ऑब्वियस है कंज्यूमर जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज वॉट वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इंडिया ये ध्यान रखता है कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट को इसमें इंक्लूड ना किया जाए जिससे कि लोकल इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों उसके अलावा सेपा एंड सेसा ये भी एक अलग तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे ट्रेड एग्रीमेंट आसियान कंट्री मलेशिया कोरिया जापान इन लोगों के साथ है। कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स एंड कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें प्रोडक्ट तो है ही बट उसके साथ साथ सर्विस को भी प्राधान्य दिया जाता है।
माने अलग अलग जो सर्विसेज है जो मैंने आपको बताया, आगे सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गया, अगर मान लीजिए किसी को स्किल लेवल की लेबर की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा टैक्सेशन के अंदर आर्किटेक्चरल कोई भी सर्विसेज है, तो ऐसी सर्विसेज पहले इंक्लूड नहीं थी, बट इंडिया ने रिसेंटली ये अलग अलग कंट्रीज के साथ सेसा एंड सेपा के एग्रीमेंट्स किए जिसके अंदर सर्विसेज को भी इंक्लूड किया, और जिसकी बदौलत आज हम इंडिया की सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड पहुंचा सकते हैं। इसके अंदर इंक्लूड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट, और उसके अलावा फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि इंडियन पीपल जापान के अंदर और जापानीज इंडिया के अंदर इजीली मूवमेंट ले सकते हैं, और इसके अंदर उनका जो एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल जो उनकी डिग्रीज है, उनको भी कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली एक समान गिना जाता है, जिससे कि फर्दरली वहां पे जाके कोई नया एजुकेशन लेने की जरूरत ना पड़े। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर आपने इंडिया से डॉक्टरी की है और अगर आप यूएस के अंदर ट्रांसफर होते हैं, यूएस के अंदर आप अगर मान लीजिए कि रेसिडेंट वीजा के लिए जाते हैं, तो बट ऑब्वियस है आपका जो यहाँ पे आपने डॉक्टरेट का डिग्री लिया हुआ है वो वहाँ पे नहीं चलता, बिकॉज उनके कॉम्प्लायंसेस, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, तो वहां पे आपको अलग से उसका स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा ना करना पड़े और आपका जो स्किल है वो आप और कंट्रीज में भी यूज कर पाए, आपके जो अभी के डेजिग्नेशन और अभी के जो आपके पास सर्टिफिकेट्स है आपकी डिग्री के हिसाब से, तो उस तरह का भी जो एरिया है उसको प्रावधान दिया गया है, और आपकी एग्जिस्टिंग डिग्री को भी उतना ही वैल्यू दिया जाएगा, और सामने वाले कंट्री के अंदर आप एज ए स्किल लेबल वहां पे वर्क भी कर सकते हैं। यस, इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा कि किस तरह से इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कस्टम यूनियन, ईएईयू, इट इज द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, जिनका एक पूरा क्लस्टर है जिसके अंदर यूरोप के जो 27 कंट्रीज है ये सब कंट्रीज इंक्लूड है। हालांकि ब्रेक्जिट के बाद यूके अब इसमें से निकल गया है, तो बाकी के जितने भी कंट्रीज है 26 कंट्रीज, उनका एक यूनियन है जिसके द्वारा जो ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं उसका नाम है कस्टम यूनियन। उसके अलावा अफ्रीकन कंट्री के अंदर भी ऐसे जो उनके 52 कंट्रीज है उसके अंदर, फिर सॉरी 54 कंट्रीज, उसमें से 52 कंट्रीज ने अल्टीमेटली ये एग्रीमेंट साइन किया है। दोस्तों 52 कंट्रीज एक ही एग्रीमेंट के अंदर इस तरह से साइन हुए हैं जिससे उनके कंट्री के बीच में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो सेम रहेंगे। आप अफ्रीका के कोई भी कंट्री से, कोई भी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें, आप बुरुंडी से रवांडा करें, रवांडा से आप टोगो करें, टोगो से आप नाइजीरिया करें, नाइजीरिया से साउथ अफ्रीका करें, आप कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें, रूल्स एंड रेगुलेशन रिमेन सेम। जितनी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है उन सारी प्रोडक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्रीज हैं, आज वो 26 अगर हम यूके को बात करते हैं, तो ये 26 कंट्री के अंदर मूवमेंट ऑफ द गुड्स बहुत फ्रीली होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब बॉर्डर से कनेक्टेड है, इसकी जो इकोनॉमी है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, एंड बट ऑब्वियस है इनके अंदर जो भी गुड्स का मूवमेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके अंदर क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहते हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता। सिमिलर इंपोर्ट टैरिफ्स है, अगर मान लीजिए नीदरलैंड के अंदर कोई प्रोडक्ट को अगर मान लीजिए जर्मनी एक्सपोर्ट करता है, तो जो ड्यूटी वहां पे लगेगा वो सेम ड्यूटी जब नीदरलैंड वही प्रोडक्ट को जर्मनी में एक्सपोर्ट करता है तो लगेगा। इसका मतलब उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, जो भी टैरिफ रेट है वो भी एक समान है। अगर इंडिया कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है और वहां से वो री एक्सपोर्ट उनके इन बिटवीन कंट्री में करते हैं तो ड्यूटीज रिमेन सेम। उसके अलावा सिमिलर इंपोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, जब कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं वो इन बिटवीन, हाँ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन बिटवीन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना वो भी सेम रहते हैं, इसके अंदर भी कोई फर्क नहीं है, टैरिफ उन लोगों का सेम है। यस, और इंपोर्ट के रिगार्डिंग जो कॉम्प्लायंसिस की रिक्वायरमेंट है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये इन लोगों के बिटवीन, मतलब इन कंट्रीज के बिटवीन जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड होता है, उसका उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, और कॉम्पिटिटिव रेट पे वो अच्छी प्रोडक्ट और जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स है उसको एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा एक कॉमन मार्केट, ये भी एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है जिसके अंदर कॉमन करेंसी यूज करने वाले कंट्रीज के बीच में जनरली ये कॉमन मार्केट के एग्रीमेंट्स तैयार होते हैं। जैसे कि कॉमन करेंसी आप सब जानते हैं, यूरोपियन कंट्री में ज्यादातर कॉमन करेंसी चलता है, तो जितने भी कंट्रीज के अंदर यूरो चलता है वो सारे कॉमन मार्केट के तौर पे अपना एक ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं और उसके बेनिफिट्स लेते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो बैंकिंग का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो भी एक समान है। आप बैंकिंग की सर्विसेज नीदरलैंड में ले लीजिए, आप बैंकिंग की सर्विसेज रिगा में ले लीजिए, आप बैंकिंग की सर्विसेज जर्मनी में ले लीजिए, पोलैंड में ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, आपको बैंकिंग की जो सर्विसेज है वो सेम मिलेगी,
इसके अंदर भी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखेगी। सो इसका सीधा मतलब होता है कि ये इकोनॉमिक यूनियन से जुड़े हुए, जिसमें इकोनॉमिकल जो चीजें हैं इनको एक समान किया गया है और इसकी बदौलत जो ट्रेड है उसको ईजी करने की ट्राई की है। और दूसरा, इकोनॉमिक यूनियन के बीच में लोगों की जो पावर जोर होती है, लोगों का आना जाना जो होता है वो भी एकदम फ्री होता है। अगर आपके पास यूरोपियन यूनियन के कोई भी कंट्री का परमानेंट वीजा है तो डेफिनेटली आप यूरोप के बाकी के कंट्री को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप वहाँ के परमानेंट रेसिडेंस है, अगर आप जर्मनी के परमानेंट रेसिडेंस है, तो यूरोप के 26 कंट्री में आप कहीं पे भी मूवमेंट करें इसके लिए आपको अलग से कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, आपका मूवमेंट फ्री होता है। सो अल्टीमेटली पीपल कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री, जो इकोनॉमिक यूनियन में पॉसिबल है। और आज की डेट में इकोनॉमिक यूनियन के तौर पे EU कंट्रीज ने ये बनाया है। बाकी इंडिया के लिए जो लास्ट 3 एग्रीमेंट्स है ना, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन, ये हमारे लिए नहीं है। तो बट ऑब्वियसली हमारे लिए ट्रेड एग्रीमेंट, सेसा, सेपा एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये फोकसेबल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेगा ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में होते हैं। और मेगा ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला है कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्री के बीच में है। और ये स्पेसिफिकली इसलिए तैयार किया जाता है जिससे कि ये कंट्रीज जो है वो एक दूसरे की प्रोडक्ट को जरूरत के हिसाब से एक दूसरे के कंट्री में ड्यूटी फ्री या ड्यूटी रिडक्शन के अंदर एक्सपोर्ट कर पाए और उसका बेनिफिट ले पाए। दूसरे नंबर पे आता है ट्रांस एटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉम्प्रहेंसिव जो पार्टनरशिप है वो। अल्टीमेटली ये पार्टनरशिप अभी तक नेगोशिएशन में भी है, तो अल्टीमेटली क्या है कि ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं कैनेडा भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये जो पार्टनरशिप है इसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद यही है कि इन 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 कंट्रीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी में आता है, जो नया इनोवेशन होता है, उनके रिगार्डिंग वो कोलाबरेट करें और सुपीरियर क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी उसको तैयार करके वर्ल्ड वाइड उसका एक्सपोर्ट बढ़ाए। यस, देन आफ्टर रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसे हम बोलते हैं RCEP, जिससे इंडिया ने विड्रॉ किया था। मैं क्यों विड्रॉ किया था इसके ऊपर मैं आगे आता हूँ, लेकिन इसके अंदर आप देखिए टोटल 15 कंट्रीज हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, उसमें से सारे कंट्रीज ऑलमोस्ट हमारे पड़ोसी कंट्रीज है, नेबर कंट्रीज। क्या तो इसके अंदर इंडिया भी पहले था, बट पिछले 8 सालों से नेगोशिएशन हो रहा था, लेकिन हमको इनकी जो कुछ टर्म्स है वो हमको राज नहीं आई और इसी की बदौलत हमने इसमें से विड्रॉन किया। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्यों विड्रॉ किया। बट ये जो कंट्रीज है इनके बीच में भी एक बहुत बड़ा वी कैन से मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स है जिनके थ्रू ये एक दूसरे कंट्रीज को ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट के सॉरी ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बेनिफिट देते हैं। उसके बाद है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल का जो फ्री ट्रेड एरिया है जिसको हम बोलते हैं FCFTA। यस, तो दोस्तों ये मैंने आपको जो पहले बताया ना उस तरह से 54 में से 52 कंट्रीज इसके मेंबर है। एक तो इट्रिया इसका मेंबर नहीं है और एक और कंट्री है, मैं नाम भूल गया हूं अभी, बट ये दो कंट्री उसके मेंबर नहीं है। इसके अलावा 52 कंट्रीज इनके मेंबर है। 1 जनवरी 2021 से ये वाला एग्रीमेंट जो है वो अभी से ये लागू हुआ है एंड इन कंट्रीज के बीच में अभी जो ट्रेड है वो इस तरह से होना चालू हो गया है जिससे कि सारे कंट्री के बीच में सेम रूल्स एंड रेगुलेशन रहे, सारे कंट्री के बीच में जो टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो सेम रहे और इसके अलावा इनके कॉम्प्लायंसेस भी सेम रहे। दोस्तों जब हम बात करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल्स के इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो इंडिया इसका बेनिफिट कैसे ले सकता है, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी आगे बताया था। उसके अलावा मान लीजिए कि आप यहाँ से कोई भी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपने तांजानिया के अंदर कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये पेन ले लेता हूँ, ठीक है, इस पेन को मैं तांजानिया एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन तांजानिया के साथ मेरा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो मैं जब पेन एक्सपोर्ट करना चाहूंगा तो बट ऑब्वियसली उसका जो रेगुलर ड्यूटी होगा वो एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए वो ड्यूटी है 30% ऑन दिस पेन। क्या अब मैं तांजानिया के अंदर इस पेन को सस्ते दाम में एक्सपोर्ट करना चाहूं तो मैं कौन सा रूट यूज कर सकता हूं? अगर मेरा यानी कि इंडिया का अगर साउथ अफ्रीका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और साउथ अफ्रीका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माय वॉइस वाज ब्रोकन आई थिंक यस सो आई एम रिपीटिंग दैट
कि मैं बात ये कर रहा था कि ये वाला जो पेन है अगर मैं तांजानिया के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ और तांजानिया के अंदर पेन को एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो वहां का जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो 30% है इंडियन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और मैं वहां पे इस यूज कर सकता हूँ, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मेरा यानी कि इंडिया का और साउथ अफ्रीका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मैंने प्रोडक्ट को साउथ अफ्रीका में फ्रीली एक्सपोर्ट किया यानी कि ये पेन को, और उसके बाद इन बिटवीन इस कंट्री के अंदर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आता है जिसका नाम है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया, जो अब हम देख रहे हैं। और इसके अंडर में मान लीजिए कि ये उसके अंदर उसको ड्यूटी रिडक्शन या तो ड्यूटी फ्री मिलेगा, तो बट ऑब्वियस है इंडिया का प्रोडक्ट वाया साउथ अफ्रीका री एक्सपोर्ट मैंने तांजानिया के अंदर किया, ड्यूटी फ्री मुझे एक्सपोर्ट के अंदर बेनिफिट से मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें ये 52 अलग अलग कंट्रीज की, दोस्तों अफ्रीकन कंट्रीज विल बी द बिगेस्ट मार्केट एवर फॉर इंडिया इन अपकमिंग फ्यूचर। आप सब जानते हैं अफ्रीकन कंट्री की अभी की पॉपुलेशन 1.2 करोड़ है, 1.2 बिलियन सॉरी, यानी कि 120 करोड़ सब कंट्रीज की। 2030 तक ये पॉपुलेशन तकरीबन 170 करोड़ के आजू बाजू पहुंचेगी, इसका मतलब 50 करोड़ ऐड हो गए। और ये फास्ट पेस में मूवमेंट होती पॉपुलेशन है जिसका ग्रोथ पिछले 5 सालों के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा नोट किया गया है। अब देखिए ये सारे ऐसे कंट्री है जो अभी अभी रिसेंटली 30 साल 40 साल पहले ही आजाद हुए हैं, उनकी इकोनॉमी जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट कंट्री के तौर पे गिनी जाती है और ये धीरे 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 डेवलपिंग स्टेज पे आ रहे हैं। तो ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर उनके पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, दे हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस। अगर आज आप उनकी जमीन पे कुछ भी अगर क्रॉपिंग लेते हैं, आपको 1% भी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होगी एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्रॉप पर एकर या तो पर बीघा, जो भी हम काउंट करें। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अगर प्रोडक्शन की बात करें, जो क्रॉपिंग की बात करें, यील्डिंग की बात करें, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ से इन प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करके उसके ऊपर रीपैकेजिंग, उसका पॉलिशिंग, उसका फिनिशिंग करके हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से। तो अफ्रीका से इंपोर्ट करें और यहाँ से वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करें, जो प्रोडक्ट फ्रीली कंसेशन फ्री आपके कंट्री में इंपोर्ट हुई है इंडिया के अंदर, उसको रीपैकेजिंग करके उसको रिप्रोड्यूस करके, यस। उसके अलावा मैंने बताया उस तरह से दे विल बिकम अ बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड। एंड अभी के लिए भी अगर बात करें तो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट वो इम्पोर्ट करते हैं, चाहे आप रॉ मटेरियल ले लीजिए, चाहे आप फिनिश गुड ले लीजिए, या चाहे कोई भी केमिकल या तो बेसिक मटेरियल ले लीजिए और वी कैन से इंटरमीडिएट मटेरियल ले लीजिए, एवरीथिंग दे आर इम्पोर्टिंग। उनको कुछ भी बनाना होगा तो उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज वहां पे इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं। तो अगर उनको कोई फूड प्रोडक्ट तैयार करनी है तो उसके अंदर लगने वाले एजेंट्स, उसके अंदर लगने वाले जो भी कलर्स है, मतलब जो फूड कलर्स होते हैं, इसके अलावा इनकी प्रोसेस के लिए मशीनरी, ये सारी चीजें अभी वो इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड बट ऑब्वियस इंडिया स्ट्रेटेजिकली उनका बहुत बड़ा पार्टनर है क्योंकि अफ्रीकन कंट्री हमसे कहीं ना कहीं नजदीक भी होते हैं डिस्टेंस में। अगर हम चाइना की बात करें तो ये बहुत दूर भी होते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, और दूसरा अफ्रीकन कंट्री राइट नाउ टेंड्स टू द इंडिया क्योंकि वो जानते हैं कि चाइनीज जो है ना उसका एक प्रोपोगंडा है, धीरे 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 वो इतना सारा बर्डन अफ्रीकन कंट्री पे डाल रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उनको अपना पोर्ट जो है वो चाइना को बेचना पड़ेगा। हालांकि 2-3 कंट्री ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने अपना पोर्ट आज चाइना को दे दिया है, और सबको पता है कि अगर इंडिया के साथ हम इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं तो ये होने की संभावना कभी नहीं है क्योंकि इंडियंस आर वेरी स्पेसिफिक एंड वी नो दैट कि हमारा जो भी काम होता है वो क्लियर सेंटेंस में होता है। तो अफ्रीकन्स आर राइट नाउ वी कैन से टेंडिंग टू द इंडियंस सप्लायर्स, और बहुत सारी इंडियन प्रोडक्ट जो है आज अफ्रीका के कंट्री में एक्सपोर्ट हो रही है। अब ये पर्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट से हमको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप इंडिया से अफ्रीका के कोई भी पोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट करें, चाहे वो मुंबासा पोर्ट हो, चाहे वो अफ्रीकन मतलब साउथ अफ्रीका का कोई पोर्ट हो, और इसके अलावा कोई भी पोर्ट जिम्बाब्वे का हो या केन्या का हो, आप जब वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं ना तो वहां से और कोई भी कंट्री के अंदर जब वो ट्रांसपोर्ट होगा गुड्स, तो बट ऑब्वियस है उसके अंदर टैरिफ रिडक्शन का बेनिफिट आपको मिलेगा, फ्री एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा, एंड अल्टीमेटली जो आपका प्रोडक्ट है वो कोई भी कॉर्नर पे अफ्रीका के जा सकता है। जस्ट
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो दोस्तों मैं बात यही कर रहा था कि अफ्रीकन कंट्री ये हमारे लिए सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे अभी तैयार हो रहे हैं, और आने वाले 10 सालों के अंदर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। तो बट ऑब्वियस ये ट्रेड एग्रीमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मार्कस सर, जो अल्टीमेटली ये 6 कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है, अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे एंड वेनेजुएला, जिन कंट्रीज़ के बीच में भी इस तरह के ट्रेड फैक्ट है जिससे कि आप उस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से कोई अलग कंट्री में रीएक्सपोर्ट होता है इन्हीं के कंट्रीज़ के अंडर, तो आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों आरसीईपी के बारे में, जो एक बहुत ही बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है और अल्टीमेटली जिसके साथ हमने 8 साल नेगोशिएशन किया और बाद में हमने इसके विड्रॉन किया। तो आरसीईपी एक्चुअली है क्या और इंडिया ने क्यों विड्रॉन किया इसे? सो आरसीईपी इज द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसके अंदर राइट नाउ टोटल 15 कंट्रीज हैं, जिसमें एक कंट्री के तौर पे इंडिया भी था, लेकिन इंडिया ने इससे विड्रॉल किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि कहीं ना कहीं हम कंपैटिबिलिटी नहीं देख रहे थे। दोस्तों अगर हम आरसीईपी की बात करें तो टोटल आरसीईपी के 15 कंट्री के बीच का अगर टोटल पॉपुलेशन हम कंसिडर करें तो इट इज 3.4 बिलियन पीपल। सो दिस इज वॉट द पॉपुलेशन ऑफ, वी कैन से 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन जो है वो आरसीईपी कंट्री के बीच में है, और अगर इंडिया इसके अंदर होता तो बट ऑब्वियस है ये तकरीबन 65-67% होता। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, जिसमें दुनिया की 50% पॉपुलेशन जो इंक्लूड है, और इसी की बदौलत यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट का ट्रेडिंग होता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, और अल्टीमेटली उनके बेनिफिट्स जो है वो लेने के लिए ये कंट्रीज़ के बीच में कहीं ना कहीं ये ट्रेड एग्रीमेंट तैयार हुआ है। अगर हम आरसीईपी कंट्री के जीडीपी की बात करें तो 40% से ज़्यादा जीडीपी है इन कंट्रीज़ का ऑल ओवर वर्ल्ड, एंड हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि आप जितने भी कंट्रीज़ के अंदर चेक करेंगे ना, उन सब की इकोनॉमी कहीं ना कहीं 1-50 कंट्रीज़, top 1-50 कंट्रीज़ में है। जैसे कि आप चाइना ले लीजिए, जापान ले लीजिए, साउथ कोरिया ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, उसके अलावा मलेशिया, दिस आर द कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी और जीडीपी जो है वो वर्ल्ड्स के टॉप 50 कंट्रीज़ की जीडीपी में से एक है। तो बट ऑब्वियस है ये हाईएस्ट इकोनॉमिकल जीडीपी रखने वाले ब्लॉक्स हैं, और इसी के लिए ये एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है टू बी फोकस्ड। हालांकि इंडिया इसका डायरेक्ट पार्टनर नहीं है, इंडिया इसका डायरेक्ट मेंबर नहीं है, तो हम इसका बेनिफिट ज़रूर ले सकते हैं जब हम री एक्सपोर्ट की बात करें। तो उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया था, थाईलैंड के अंदर जब हम कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें तो थाईलैंड से अगर आरसीईपी के कंट्री में कोई प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अगर हो सकता है तो बट ऑब्वियस हमें ड्यूटी फ्री, ड्यूटी कंसेशन के तौर पे हमारा प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंडिया ने पर्टिकुलरली आरसीईपी से विड्रॉन क्यों किया, और इसके बारे में शायद मेरे ख्याल से आज से 8-9 महीने पहले बहुत चर्चा हुई थी, पेपर में भी बहुत बार छपा हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने अपने इसके बारे में रिव्यूज़ भी दिए थे कि इंडिया को इसके साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, एंड देन गवर्नमेंट हैज़ फाइनली विड्रॉन दिस पर्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड आज हम आरसीईपी से बाहर हैं। उनके कुछ बड़े रीजंस जिसका मैं डिस्कशन आपसे करना चाहूँगा, जिसमें पहला, चाइना के लिए इंडिया एक बड़ा डंपिंग ग्राउंड बन जाता, क्योंकि अगर हम इस ट्रेड एग्रीमेंट में आ जाते तो चाइना को मोर देन 90-95% प्रोडक्ट के लिए इंडिया का मार्केट जो है वो एक्सेसिबल हो जाता, एंड अल्टीमेटली जिसका बहुत ही बड़ा असर हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को होता। एंड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि हमने इससे विड्रॉन किया और अल्टीमेटली आज हम फ्री बर्ड की तरह आज इस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं या तो वहां से इम्पोर्ट कर सकते हैं, जैसे हम मर्जी चाहे। टैरिफ एलिमिनेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमने फेस किया, क्योंकि इंडिया चाहता था कि टैरिफ का जो एलिमिनेशन है उसको 20 साल का टाइम दिया जाए, जबकि बहुत सारे कंट्रीज ने इसको विड्रॉन किया था, उसको मना कर दिया था। दोस्तों यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो मैं उस टैरिफ की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली मान लीजिए आज हम अगर आरसीईपी के मेंबर होते तो हमने ये प्रपोजल दिया था कि आरसीईपी के जितने भी बाकी के मेंबर्स हैं वो जब इंडिया के अंदर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे और जब हम इंडिया के अंदर उन प्रोडक्ट का इम्पोर्ट करेंगे तो हम ये ड्यूटीज़ को धीरे 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 रिड्यूस करेंगे। मान लीजिए आज अगर ये माउस मैं चाइना से इम्पोर्ट करता हूँ, उसके ऊपर ड्यूटी 50% है एक एग्जांपल के तौर पे, तो इंडिया ने ये कहा कि अगले 20 सालों में हम ड्यूटी को ज़ीरो करेंगे, आज 50% है, 2 सालों के बाद 40,
फाइव करेंगे, देन 43 करेंगे, 42 करेंगे, 39 करेंगे, और धीरे 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 20 सालों में उसको रिड्यूस करके जीरो करेंगे। एंड इस बात को लेकर बहुत सारे कंट्री ने अपना एग्रीमेंट नहीं दिया, कंसेंट नहीं दिया, और हमको ये राज नहीं आया, तो हमने ये डिसीजन लिया कि भाई हम इसके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट रिडक्शन किया तो बट ऑब्वियस है इंडिया विल बी द डंपिंग ग्राउंड, एंड दीज आर द आरसीईपी कंट्रीज जो इन्वॉल्व है, आप सब जानते हैं दीज आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर कंट्री। अगर हम फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया की बात करें तो ये अपकमिंग सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर कंपनी के तौर कंट्री के तौर पे उभरने वाले कंट्रीज हैं। तो बट ऑब्वियसली आगे जाके हमको उनको भी फेस करना पड़ता, वहाँ का जो सस्ता लेबर है उनकी बदौलत जो सस्ती प्रोडक्ट तैयार होती है हम उनके लिए भी चैलेंजिंग हो जाते, हमारे लिए जो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होते, एंड अल्टीमेटली हम हमारी इंडस्ट्रीज को बचा नहीं पाते। उसके अलावा इंडिया वॉन्ट्स एंटी डंपिंग आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ डंपिंग। इंडिया चाहता था कि भैया अगर आप हमको कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर हम चाहते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी हम खुद से लगा सके, तो हम ये प्रपोजल आपको दे रहे हैं कि इतनी इतनी प्रोडक्ट्स ऐसे ऐसे एचएस कोड होंगे जिसके ऊपर हम अपने ओर से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, जिससे कि वो लोकल हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रेशराइज ना करें। बट उसके लिए भी उनका कंसेंट नहीं मिला, एंड दे सेड दैट कि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट सब चीज़ों के अंदर आपको रिडक्शन करना पड़ेगा और तभी आप इसके मेंबर बन सकते हैं। यस, कंट्री ऑफ ओरिजिन का जो रूल्स था वो भी हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका था, बिकॉज कंट्री ऑफ ओरिजिन के रूल्स के अंदर 35% आरवीसी जो उन्होंने प्रपोज किया था उसकी जगह पे हमने 50% आरवीसी प्रपोज किया था। दोस्तों सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि व्हाट इज आरवीसी। आरवीसी इज कॉल्ड रीजनल वैल्यू कंटेंट। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लीजिए कि अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पैन, ठीक है, मान लीजिए कि ये पैन जो है अगर वो वियतनाम से मैं इम्पोर्ट करता हूँ, मेरी बात को जरा फोकस करिएगा, ये पैन को मैं वियतनाम से इम्पोर्ट करता हूँ, तो जब ये पैन इंडिया के अंदर इम्पोर्ट होगी तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर एक क्लोज ऐसा है कि अगर इस पैन के अंदर 35% रॉ मटेरियल जो इसको बनाने में लगा है वो वियतनामी होगा तो ही हम इसको इंडिया के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में परमिट करते हैं। रेगुलर ड्यूटी भर के तो कुछ भी ला सकते हैं ना, बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में ये तब आएगा जब इसके अंदर 35% रॉ मटेरियल बनाने के वक्त वो लोकल लगा हो, यानी कि जो वियतनामीज हो, यानी कि 65% प्रोडक्ट अगर आपने इम्पोर्ट बाहर से किया है और उसके बिहाफ में आपने प्रोडक्ट को तैयार किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 35% तो होना ही चाहिए। अगर 35% से नीचे हुआ तो बट ऑब्वियस है कि हम इसको इम्पोर्ट करने की परमिशन नहीं दे सकते, यानी कि रेगुलर जो ड्यूटी थी उसमें आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, कंसेशनल ड्यूटी में नहीं। तो हमारा ये कहना था कि जो भी प्रोडक्ट बाहर के कंट्री से इम्पोर्ट होगी उसमें 50% आरवीसी हम अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 35% रखेंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा और इसकी बदौलत वहाँ की ऑलमोस्ट प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के अंदर इम्पोर्ट चालू हो जाएगी। तो इसको भी उन्होंने जो कंसेंट के तौर पे, मतलब उसको कंसेंट देना चाहिए था वो नहीं दिया, और उन्होंने प्रपोज किया कि 35% मैक्सिमम, इसके ऊपर हम कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर आप नहीं चाहते हैं तो बट ऑब्वियसली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, एंड दिस इज वॉट अगेन अ बिग रीजन कि हमने वहाँ से विथड्रॉन किया, क्योंकि अगर वो 50% होता तो शायद हमारे लिए कंपेटेबल हो सकता था। उसके अलावा अवर इंडस्ट्रीज आर स्टिल नीड प्रोटेक्शन एज वी आर नॉट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। दोस्तों ये सबसे बड़ा रीजन है, ये सारे जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसको फोकस करना जरूरी है इसका, क्योंकि दोस्तों हमारी जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन लाइंस है और प्रोडक्शन कंपनीज है ये वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिटिव नहीं है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दूँ, इंडिया के अंदर जो टॉयज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है और चाइना से जो टॉयज़ हम इम्पोर्ट करते हैं, आप सब जानते हैं कि चाइना से इंडिया के अंदर टॉयज़ का इतना ज़्यादा इंपोर्ट एवरी ईयर होता है कि अल्टीमेटली जितना हम लोकल प्रोडक्शन करते हैं ना उससे तकरीबन 80% हम बाकी का जो माल है ना वो बाहर से लाते हैं, यानी कि चाइना से और अलग कंट्री से लाते हैं। कैन यू इमेजिन कि एक टॉयज़ जो है वो तैयार होता है प्लास्टिक प्रोडक्ट से, यस, और उस इंडस्ट्री के अंदर भी हमारी कॉम्पिटिटिवनेस ऐसी नहीं है कि अगर चाइना चाहे इतना डंपिंग कर ले वो हमारी प्रोडक्ट को कॉम्पीट नहीं कर सकता। इस तरह का अगर कोई कॉम्पिटिटिवनेस हमारी इंडस्ट्री में होता तो शायद हम आज आरसीईपी के मेंबर होते। आप सीधी सी बात सोचिए, आप चाइना के साथ कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए, शायद आप इतना बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे जितना कि चाइना आपका बेनिफिट उठा सकता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट को जब उनके मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि उनके मार्केट में जो लोकल प्रोडक्ट है वो आपकी प्रोडक्ट से सस्ती हो।
सीधी सी बात है ना कि जब आप कोई प्रोडक्ट को वहां से यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके मार्केट में वो लोकल प्रोडक्ट ऑलरेडी सस्ता मिल रहा है, तो वो आपसे इम्पोर्ट क्यों करे? यही रीजन है कि आज हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो प्रोडक्ट जो तैयार करती है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, या तो इतना सस्ता नहीं है कि क्वालिटी के साथ हम सस्ता प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे कि चाहे कोई भी कंट्री जितना चाहे एक्सपोर्ट कर ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इंपोर्टर इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट लोकल मार्केट में सस्ता मिल रहा है। गॉट इट? सो कॉम्पिटिटिवनेस हमारी इतनी नहीं है। वी आर होपिंग दैट अगले आने वालों 10 या 15 सालों में हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, तो हम इसका डेफिनेटली बेनिफिट लेंगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा जो अभी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है वो है टाइल्स एंड सैनिटरी इंडस्ट्री, एज वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टाइल्स एंड सैनिटरी इंडस्ट्री, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। चाइना को हमने 5 साल पहले बीट कर दिया, और आज दुनिया के अंदर जितना भी कोटा टाइल्स एंड मार्बल्स जाता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया से जाता है। उसी तरह से हमारा स्पाइसेस, जिसके अंदर हम वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर हैं, उसके अलावा अगर हम बासमती राइस की बात करें तो ये भी कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया, सो वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। एंड देर आर सेवरल प्रोडक्ट्स जो अल्टीमेटली, जैसे कि टोबेको हो गया जो इंडिया से लार्जेस्ट एक्सपोर्ट होता है, जिनके अंदर हमारी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। एंड सो दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट जब हम डेवलप कर लेंगे इंडिया के अंदर 80-90%, तो मुझे लगता है कि कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट ही होने वाला है, इसका कोई भी लॉस नहीं है। यस, इंडियन डेयरीज इंडस्ट्री कैन इंपैक्टेड बेडली थ्रू द ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जिसका मैंने एग्जांपल आपको बताया, क्योंकि ये दोनों कंट्री आरसीईपी के मेंबर है, और अगर हम इसके मेंबर बन जाते हैं तो बट ऑब्वियस हमको हमारे जो डोर्स है वो ओपन करने पड़ेंगे, इकोनॉमिकल डोर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए, एंड अवर डेयरी इंडस्ट्री विल गोइंग टू बी इम्पैक्ट अ लॉट। शायद ऐसा भी हो सकता है कि 80-90% तो शट ही हो जाए, क्योंकि इतना डंपिंग होगा और वो भी इतना सस्ता और क्वालिटी, तो बट ऑब्वियस है वी विल नॉट गोइंग टू सर्वाइव एज अ वी कैन से बिग इंडस्ट्री, सॉरी डेयरी इंडस्ट्री प्रोडक्शन। चलिए दोस्तों, सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो आईटी सर्विसेज में ज्यादा हैम्पर्ड हो रही थी, क्योंकि हमारी आईटी सर्विसेज जो आज हम वर्ल्ड वाइड दे रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़े मार्केट ईयू एंड अमेरिकन है, इसके अलावा कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी है, बट एशियन कंट्रीज के अंदर हमारा इतना अभी होल्ड नहीं है। पर धीरे 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 इंडियन मार्केट से बहुत सारे कंट्रीज जो एशियन है वो भी सर्विसेज ले रहे हैं। पर अगर हम ये ट्रेड पैक्ट में आ जाते तो शायद होता ऐसा कि हमारी जो सर्विसेज है उनको सामने मतलब फ्री एक्सेस मिलता और उसके अंदर ड्यूटी कंसेशन मिलता, बट उसके सामने वहाँ की जो भी वी कैन से सर्विसेज है उनको भी हमें अल्टीमेटली फ्री एक्सेस देना पड़ता, और कहीं ना कहीं हमारी जो लोकल सर्विस इंडस्ट्रीज है उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। यस, तो दिस इज व्हाट द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जिसकी बदौलत हमने आरसीईपी से विड्रॉन किया, और आज हम फ्री बर्ड कंट्री की तरह से आरसीईपी के कुछ बेनिफिट जो है उनको डायरेक्टली ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में, कि इंडिया का अलग अलग कंट्री के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसका आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले पाएंगे। सो आई एम गिविंग यू द डिटेल्स अबाउट दैट। द लिस्ट ऑफ इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, जब आप लिंक को क्लिक करेंगे ना तो आप एक वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, सो दिस इज व्हाट द वेबसाइट ऑफ इट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड वी कैन से इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर ये टैब के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ट्रेड एग्रीमेंट दिए गए हैं। यस, यहाँ पे दोस्तों इंडिया के जितने कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो सारे के सारे ट्रेड एग्रीमेंट की इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एमओयू अलग अलग कंट्री के साथ जो हमारे हुए हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, कोलंबिया, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट जो हुए हैं जो अलग अलग कंट्री में कंट्री के साथ है, जैसे फिनलैंड हो गया, सार्क कंट्रीज हो गए, साउथ एशियन कंट्रीज हो गए, इसके अलावा एशिया पैसिफिक कंट्रीज हो गए, ये इंडिया सिंगापुर का सेसा जो मैंने आपको बताया था, ये जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप है वो, इसके अलावा इंडिया मलेशिया हो गया, ये सब इंडिया आसियान एग्रीमेंट्स है जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा चिली जिनके साथ हमारा पीटीए है, उसके अलावा जापान जिसके साथ सेपा है, ये जेटको जो भी एक ट्रेड एग्रीमेंट है, तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साथ है, अफगानिस्तान, कोरिया, मार्कसर, श्रीलंका, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, ग्वेटमाला, अर्जेंटीना, देयर आर सेवरल। तो अगर आप कोई भी इंडिया का लेटेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट देखना चाहते हैं तो दोस्तों दिस वन इज द लेटेस्ट वेबसाइट, इससे ऊपर ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है जहां से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसकी मिले, तो आप इसको फोकस करेंगे। और दूसरा एक मेरा सजेशन है कि जब भी आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर स्टडी करना चालू करें, इसके पहले
आप ये वाला टैब है ना, इसको 100% फोकस करना, जिसका नाम है FAQs on FTAs, यानी कि frequently asked question on FTA. जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड में दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको स्टडी कर लीजिए. मेरे ख्याल से तकरीबन 30 से 35 पेज है, बट ये आपको बहुत क्लियर विजन देगा कि अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट का क्या महत्व होता है, ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट लेते वक्त क्या कॉम्प्लायंस जरूरी है, एंड किस तरह से इंडिया इसका इफेक्टिव यूज कर सकता है. हालांकि मैंने जो चीज़ें आपको बताई वो उसी का एक सारांश भी है, और बहुत सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऐड भी कर रहे थे. सो बट ऑब्वियस है, इसको पढ़ना इसलिए मैं ज़रूरी मानता हूँ कि आपको एक क्लियर शॉट नॉलेज मिल जाएगा कि FTA होता क्या है और इसको कैसे एग्जीक्यूट किया गया है. यस, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कुछ एग्जाम्पल लेके. सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा इंडिया आसियान कंट्रीज का. दिस इज गिवन दैट इंडिया आसियान एग्रीमेंट. दोस्तों इंडिया आसियान का मतलब होता है आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. यस, अब देखिए इसके अंदर ना टोटल 11 कंट्रीज इन्वॉल्व है. तो ये कौन कौन से कंट्रीज है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं. इट इज गिवन दैट ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, देन म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड फिलीपींस. दीज आर द स्पेसिफिक कंट्रीज जो आसियान क्लस्टर के कंट्रीज है. सो आसियान इज द ग्रुप जिसके अंदर 11 कंट्रीज इन्वॉल्व है. इन 11 कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देयर इज द प्रोडक्ट लिस्ट बाय ईच एंड एवरी कंट्री कि हम ये प्रोडक्ट को आप जब हमारे कंट्री में इंपोर्ट करेंगे तो इतना ड्यूटी हम रिड्यूस करेंगे. चलिए, बात करने से बेटर है कि हम इसको विजिबली देखते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले मैं एक लिस्ट आपको बताता हूँ, मान लीजिए मलेशिया का, कि मलेशिया ने कितनी प्रोडक्ट के लिए ड्यूटी को फ्री किया गया है. तो आई एम टेकिंग द मलेशिया एग्जांपल के तौर पे, ये मैंने डाउनलोड किया, ये फाइल वाला जो है ये वहाँ पर ओपन हुआ. यस, ओके, सो लेट मी गिव यू द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बीच में चला जाता हूँ जिससे कि मैं आपको ये क्लियरली बता पाऊँ कि किस तरह से इसके अंदर जो एग्रीमेंट्स है वो काम करते हैं. जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स. ओके, डायरेक्टली मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं ऊपर टॉपिक पे चला जाता हूँ. देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्केड्यूल ऑफ टैरिफ कमिटमेंट्स बाय मलेशिया. अब मेरी बात को आप बराबर गौर से समझिएगा, ये ट्रेड पैक्ट टोटल 11 कंट्रीज के बीच में है. तो इसका मतलब क्या हुआ, मलेशिया का जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये लिस्ट में जितनी भी प्रोडक्ट पे जो भी कंसेशनल रेट पे अभी ड्यूटी आपको दिख रही है ना, वो सारी की सारी ड्यूटीज, आई एम रिपीटिंग, वो सारी की सारी ड्यूटीज एप्लीकेबल उन 10 कंट्री पे भी होगी जो इस एग्रीमेंट के मेंबर है. तो ऐसा नहीं कि खाली इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो ही ये टैरिफ रिडक्शन मिलेगा. अगर मान लीजिए म्यांमार ने किया तो भी मिल सकता है, अगर थाईलैंड ने किया तो भी मिल सकता है, अगर वो इसके मेंबर्स है. Getting or not? So this is what the very clear thing कि ये benefit वो बाकी के 10 कंट्री को देंगे. उसी तरह से इंडिया ने भी अपना ऐसा एक लिस्ट तैयार किया है जिसके अंदर 90-95% प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी कंसेशनल रेट मिल रहा है. तो बाकी के 10 कंट्री में से कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडिया में इम्पोर्ट होता है, रिमेंबर माई फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ ओनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर. अगर आपका एक्सपोर्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूज नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वो कंसेशनल रेट में ड्यूटी को इंपोर्ट नहीं कर सकता. आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी मच क्लियर थिंग. अगर आपका एक्सपोर्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर अगर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वो इंडिया के अंदर ड्यूटी कंसेशनल का कोई भी बेनिफिट नहीं उठा सकता. आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स यहाँ से वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर के इंपोर्टर हम प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, बट जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं ना तो वेरी फ्यू पीपल्स आर नोइंग दैट व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. फ्यू माने मेरे ख्याल से 0.0% समथिंग. आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज सबको ये लगता है कि ये बहुत ट्रिकी एरिया है, बट ऐसा नहीं है. दिस इज व्हाट द एरिया वेयर स्टडी और इंसाइटफुल स्टडी इज नीडेड. शायद ये लोग नहीं कर पाते हैं और इसी की बदौलत शायद इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं.
आई एम टेलिंग यू, अगर इसके कॉम्प्लायंसिस और अगर इसके जो भी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो अगर आप प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो मुझे लगता है इट विल बी द वेरी ब्यूटीफुल एरिया टू बी फोकस्ड, जहाँ पे आप अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में कंसेशनल ड्यूटी यूज कर सकते हैं और इसकी बदौलत आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वाइड आप बेच सकते हैं. यस, तो जैसे आपको यानी कि इंडियंस को पता नहीं होता है ना दोस्तों, वैसे ही फॉरेन कंट्री के अंदर भी आई हैव सीन नंबर ऑफ टाइम एंड आई हैव एक्सपीरियंस इट कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है. आपका इंपोर्टर वो खुद नहीं जानता कि अगर इस एग्रीमेंट के अंडर में हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो हमको इसके अंदर कंसेशनल रेट में इंपोर्ट करने का परमिशन मिलेगा. आपका ये इंपोर्टर भी नहीं जानता. तो जब आप खुद स्टडी करके उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो बट ऑब्वियस है उसको कंसेशनल रेट के बारे में पता चलेगा और आगे जाके डेफिनेटली आप इसका बेनिफिट जो है वो अपने इंपोर्टर को दे पाएंगे. तो दोस्तों मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो इस तरह से दिया गया है कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए थे वो 2010 में हुए थे. तो ये एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 जनवरी 2010. यस, और उसके बाद आप देखिए एवरी ईयर इसके अंदर जनवरी मंथ के अंदर रिडक्शन आता गया. एवरी कंट्री इस तरह से रिडक्शन एवरी ईयर के जनवरी मंथ में देता है और लास्ट जो रिडक्शन आया वो 31 दिसंबर 2019 को आया. क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट 10 साल के लिए थे. अब से आने वाले टाइम के अंदर जब तक आसियान एग्रीमेंट रहेंगे तब तक एप्लीकेबल ड्यूटी ये दिसंबर 19 का जो है ना वही रहेगा. गॉट इट? सो यू सी दीज आर सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट. या नाउ आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ एनी वन प्रोडक्ट. सो मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक प्रोडक्ट है ट्रैवलिंग बैग्स एंड सूटकेस. ठीक है, मान लीजिए इंडिया का एक्सपोर्टर अगर ट्रैवलिंग बैग और सूटकेस को मलेशिया के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहता है, जब वो 2010 में एक्सपोर्ट कर रहा था ना तब मलेशिया के अंदर ड्यूटी था 17.5, बट धीरे 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 ईयर बाय ईयर ये ड्यूटी जो है वो रिड्यूस होती गई और दोस्तों आज ये ड्यूटी हो गया है 0%. यानी कि पिछले 5 साल से मलेशिया ने इस प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी को जीरो कर दिया है. अगर आज आप इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका ड्यूटी हो जाएगा 0, एप्लीकेबल ड्यूटी. एंड दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. जिस तरह से ये लिस्ट मलेशिया का है उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे इंडिया का भी लिस्ट है और बाकी के कंट्रीज का भी लिस्ट है, जिसमें 90-95% प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी या तो जीरो है या तो रिडक्शन किया गया है. जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यू गेट मोर आइडिया. अभी मैं आपको एक और ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू लेके जाता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर होगा. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इंडिया और चिली के बिटवीन. यस, तो इंडिया और चिली के बिटवीन PTA है, यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. तो दोस्तों प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है ना, इसके अंदर मैंने आपको आगे बताया कि इसमें ऐसा नहीं है कि 90-95% प्रोडक्ट को इन्वॉल्व किया गया है, बट एक प्रोडक्ट का पूरा लिस्ट तैयार किया गया है जिसके अंदर आपको प्रेफरेंशियल ड्यूटी का बेनिफिट मिलता है. सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. जैसे ये इंडिया चिली PTA है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. मैं आपको सीधे डायरेक्ट लेके आता हूँ इस सेंटेंस के ऊपर. It is given that while India has offered to provide the fixed tariff preferences ranging from 10-50%, यानी कि ड्यूटी के ऊपर 10 से लेके 50% तक ड्यूटी फ्री कंसेशन दिया जाएगा, ऐसी 178 टैरिफ लाइन्स है जिसके ऊपर 8 डिजिट पे आपको ये कंसेशनल रेट मिलता है. किसको? अल्टीमेटली चिली को. यानी कि जब चिली इंडिया में एक्सपोर्ट करता है तो ऐसे 178 HS कोड है जिसमें उसको ड्यूटी का कंसेशनल रेट मिलता है इंडिया में इंपोर्ट करते वक्त. एंड उसी तरह से चिली ने ऐसा एक पूरा का पूरा लिस्ट बनाया है जिसके अंदर उन्होंने 296 प्रोडक्ट को, 8 डिजिट की प्रोडक्ट को इंडिया से एक्सपोर्ट करते वक्त उसके अंदर उन्होंने इसका रिडक्शन किया है ड्यूटी का. तो चलिए देखते हैं ये लिस्ट में क्या प्रोडक्ट्स हैं. सो बट ऑब्वियस हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के लिए ही लिस्ट चेक करेंगे. तो लेट मी गिव यू द आइडिया अबाउट लेटर हैव ऑफर्ड बाय चिली. सो गाइज दिस इज व्हाट द पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट्स. एंड ये लिस्ट के अंदर आप देखिए क्लियरली मेंशन है चिलीज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया. यानी कि इंडिया जब इन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा तो उस वक्त चिली उसके ऊपर मार्जिन जो है उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन के तौर पे बेनिफिट देगा. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिया है ऑनियन. ठीक है ना, उसके बाजू में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस इज 20%. अब आप इसको बराबर समझिए. हाँ, ये क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट मान लीजिए चिली के अंदर इंपोर्ट होता है, यहाँ पे ऑनियन लिखा है तो मैं ऑनियन की बात करता हूँ. मान लीजिए कि ऑनियन अगर
मैक्सिको चिली को एक्सपोर्ट करता है। बात को बराबर समझिएगा, मान लीजिए ऑनियन अगर मैक्सिको चिली को एक्सपोर्ट कर रहा है और चिली में उसका इंपोर्ट ड्यूटी 50% है, हाउ मच 50% नेकेड ड्यूटी हाँ, विदाउट एनी कोई काइंड ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और जब इंडिया का ये पीटीए साइन है, यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ साइन है, तो अल्टीमेटली इंडिया को ये प्रोडक्ट के ऊपर 20% मार्जिन मिलता है प्रेफरेंस के तौर पे। इसका मतलब अगर इनका रेगुलर ड्यूटी 50% है तो इंडिया जब इसको एक्सपोर्ट करेगा तो वो इंपोर्ट के ऊपर 20% कंसेशन देंगे, मतलब इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी लगेगा 30%। दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये जीरो नहीं होता है, ये रिड्यूस होता है, पर रिड्यूस 10% से लेके 100% तक। अब देखिए कुछ प्रोडक्ट इसमें इस लिस्ट में ऐसी भी है जहां पे 100% रिडक्शन है, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट आप देखिए, दीज आर द प्रोडक्ट, यू कैन सी दिस ट्यूबुलर मेटल्स, कैथेटर्स एंड कुछ अदर प्रोडक्ट है जो ये एचएस कोड में आती है, जिसके अंदर 100% रिडक्शन है। 100% रिडक्शन का मतलब क्या, अगर वो प्रोडक्ट पे ड्यूटी इस कंट्री में 120% होगा तो आपको 100% रिडक्शन मिलेगा, मतलब आपका ड्यूटी लगेगा 20% ओनली। तो जो प्रोडक्ट के ऊपर 100% से ज्यादा की ड्यूटी लगाई गई है उनके अंदर भी आपको कंसेशनल रेट पे ये अल्टीमेटली 100% तक कंसेशन मिलेगा, जिससे कि आपका ड्यूटी कम होगा और कॉम्पिटिटिवली आप उस मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो इस तरह से दोस्तों, सेसा हो या सेपा हो, हर कोई अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ऐसा लिस्ट है जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिया जाता है, और ये दोनों कंट्री ने वर्कआउट करके निकाला है, जिससे आप इन प्रोडक्ट में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसेशनल रेट पे आपको इसके बेनिफिट जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के जितने भी है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग अगेन टू द पीपीटी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इसमें एक लास्ट पॉइंट ये भी लिखा है कि इंडियन ट्रेड पोर्टल को आप चेक करेंगे तो आपको ये जो एग्रीमेंट्स है वो कौन से कंट्री के साथ कौन से एग्रीमेंट से वो पता चलेगा, और उसमें कितना उसके ऊपर रेट लागू होता है ये भी आपको पता चलेगा। यस, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग अगर मैं ट्रेड एग्रीमेंट की बात करूं तो इंडिया और जापान के बीच में जो सेसा है, इसके अंदर कौन कौन से बेनिफिट इंडिया को दिए जाते हैं, मैं उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहला, द वेरी ब्यूटीफुल, जो हमारे लिए अभी जापान ने ओपन किया है मार्केट के अंदर। सिंस लास्ट टू ईयर जापान हैव मोस्ट लिबरलाइज परमानेंट रेसिडेंट वीजा सिस्टम फॉर इंडिया अंडर सेपा, इंडिया जापान सेपा। दोस्तों, पिछले 2 सालों से जापान ने इंडियन स्किल्ड लेबर को वहां पे इनवाइट किया है, जिनको परमानेंट रेसिडेंट वीजा ओनली 1 साल के अंदर अप्रूव किया जाता है, जो पहले 10 साल में था। जब आप जापान के अंदर 10 साल रहते हैं तो उसके बाद आपको परमानेंट रेसिडेंट वीजा दिया जाता है। हाल में इंडिया के लिए उन्होंने जो उनके दरवाजे ओपन किए हैं, अगर आज की डेट में आप जापान जाते हैं एज अ स्किल्ड लेबर को इंडस्ट्री के अंदर, तो आपके लिए 1 साल के बाद परमानेंट वीजा आपको मिल जाएगा और डेफिनेटली आप उन वहां के रेसिडेंट डिक्लेयर किए जाएंगे। सो दिस इज व्हाट द वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर द इंडियंस जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर अगर स्किल लेवल के तौर पे जाना चाहते हैं। ये इसलिए जापान ने खास तौर पे किया क्योंकि जापान के अंदर स्किल्ड पीपल की अभी बहुत कमी है, और दे रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ स्किल्ड पीपल टू प्रोड्यूस द डिफरेंट काइंड ऑफ द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। स्किल इंडियन वर्कर्स कैन एक्सेस टू जापानीज जॉब मार्केट, जो बहुत अच्छे से आज ओपन हुआ है। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर 14 कैटेगरीज ओपन की गई है, जिसमें नर्सिंग केयर, मटेरियल प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल, फिशरी, फूड सेक्टर, एविएशन, ऑलमोस्ट मेन मेन सेक्टर में उन्होंने जॉब ओपन की है। तो बट ऑब्वियस इट इज़ द ब्यूटीफुल चांस फॉर द इंडियंस, और आने वाले टाइम के अंदर अगले 5 साल में उनको 2 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से उनका अभी जो स्ट्रक्चर है, यंग जो जनरेशन है, जिस तरह की वो थिंकिंग रखता है, बट ऑब्वियस है उनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत कम हो चुका है, नए इन्फंट, नए बालक पैदा करने का जो रेट है ना वो बहुत कम हो चुका है। एंड इसकी बदौलत कहीं ना कहीं आज जापान अल्टीमेटली जो नया वर्क ले मतलब जो वर्क फोर्स हो ना उसका बहुत कमी महसूस कर रहा है। सो दे हैव ओपन द मार्केट फॉर द काइंड ऑफ द कंट्री, जैसे कि इंडिया का स्किल जो लेबर है उनके लिए वगैरह के लिए। तो इस एग्रीमेंट के अंडर जब आप कोई भी डिग्री को लेके वहां पे जाते हैं तो आपकी डिग्री जो है उसको एज इट इज अप्रूव किया जाता है, मान्यता दी जाती है, एंड आपको उसके रिगार्डिंग जॉब को ऑफर किया जाता है। उसके बाद इंडिया कोरिया सेपा, जिनके अंदर कोरिया ने बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए
अल्टीमेटली मार्केट को ओपन किया है, जैसे कि मरीन प्रोडक्ट हो गया जिसमें प्रॉन श्रिम्प एंड लॉबस्टर जो इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता है, टेक्सटाइल एंड केमिकल प्रोडक्ट, वेजिटेबल फ्रूट मीट, दीज आर द ऑल द प्रोडक्ट्स। एंड उसके अलावा ग्रेप्स एंड मैंगो के अंदर भी बहुत सारी डिमांड है उस मार्केट के अंदर दोस्तों। हालांकि मैंगो के अंदर वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, जितना क्वालिटी मैंगो हम तैयार करते हैं और वैरायटी में हम तैयार करते हैं ऐसा मैंगो दुनिया में और कहीं पे भी तैयार नहीं होता है, और इतनी तादाद में यू विल नॉट गोइंग टू बिलीव दैट 100% प्रोडक्शन में से अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन ऑल ओवर वर्ल्ड हम खाली 5% मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी कंट्री ऐसा होगा जिसको इंडियन मैंगो पसंद ना हो, या तो कोई पर्सन ऐसा होगा जिसको इंडियन मैंगो पसंद ना हो। इंडियन मैंगो इज द, मैं उसके बारे में आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबसे मतलब फेवरेट फ्रूट है, और जापानीज इसके पागल है। एक स्पेसिफिक मैंगो आता है जो वो इंपोर्ट करते हैं, और जैसे अमेरिकन पागल है ना वैसे जापानीज और दुनिया के कोरियन ये सब बहुत मैंगो इंपोर्ट करते हैं, इवन चाइना भी, जिन्होंने पिछले 3 साल से इंडिया से इंपोर्ट करना चालू किया है मैंगो का। आई एम टेलिंग यू, मैंगो से इतनी प्रिपरेशन तैयार होती है जिसमें मैंगो पल्प भी तैयार कर सकते हैं, स्लाइस भी तैयार कर सकते हैं, फ्रीज ड्राइड भी तैयार कर सकते हैं, एंड इट हैज़ द वेरी गुड मार्केट। मुझे लगता है कि शायद हम इस प्रोडक्ट को इतना एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो ना दिखा ही नहीं है मार्केट में, यानी कि जो दिखेगा वो बिकेगा, शायद हम उसके पीछे के जो कॉम्प्लायंसेस हैं उसके रिगार्डिंग हम स्टडी नहीं कर पाए हैं, और या तो हम मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाए। बाकी इन कंट्रीज के अंदर इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप चाहें ना तो इंडिया का 50% मैंगो भी वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 50% आई एम टेलिंग यू, जो भी 5% हो रहा है, इट हैज दैट मच पोटेंशियल। और मैं खाली मैंगो की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में आप बिलीव नहीं करेंगे ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका हम वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर वी कैन से प्रोड्यूसर है, लेकिन उसको प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे मार्केट के अंदर। प्रॉपर फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है इसके पीछे जो भी कॉम्प्लायंसेज की, अगर उसको स्टडी करके प्रॉपरली अलग अलग मार्केट में रिप्रेजेंट किया जाए तो बट ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा मार्केट आपको मिल सकता है। उसके अलावा ये कोरिया की बात हम कर रहे हैं जिसके अंदर 12 सेक्टर्स के अंदर अराउंड 100 सब सेक्टर में भी वहाँ की गवर्नमेंट ने सर्विसेज के लिए भी इंडिया से जो मतलब सर्विसेज है उसको ओपन कर दिया है, जैसे कि कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, उसके अलावा एनवायरनमेंट, फाइनेंस, हेल्थ रिलेटेड वगैरह वगैरह। तो दिस आर द बिग अपॉर्चुनिटीज जो पिछले 2 साल से ओपन हुई है, और अगर आप इस सेक्टर में सर्विसेज देना चाहते हैं कंट्रीज को तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। इंडिया मलेशिया की बात करें दोस्तों तो फ्रूट्स, कोकोआ एंड सिंथेटिक्स टेक्सटाइल जैसे 76 प्रोडक्ट के अंदर मलेशिया के अंदर टैरिफ जो इसको कट किया गया है, और इसका बहुत बड़ा मार्केट है मलेशिया, तो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बासमती राइस, मैंगो एंड एग्स एंड ट्रक एंड मोटरसाइकिल की, तो दीज आर द 140 आइटम्स जिसके अंदर सिमिलर टैरिफ उन्होंने कंसेशन रेट पे इंडिया के लिए ऑफर किया है, जिसके अंदर भी हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट करके हमारे जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें कुछ नॉन रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस भी दिया गया है मोटरसाइकिल और ट्रक्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए। एंड सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो 11 सेक्टर में 72 सब सेक्टर में अल्टीमेटली मलेशिया ने इंडियन सर्विसेज को ओपन किया है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा चांस हम मलेशिया के अंदर ले सकते हैं, बट नॉन टैरिफ बैरियर सबसे बड़ा रीजन है कि आज हम मलेशिया को टैप अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लायंस इज सर्टिफिकेशन, जो आज इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, सो मलेशिया के अंदर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। बाकी अगर ये उनके जो कॉम्प्लायंसिस रिक्वायरमेंट है, कॉम्प्लायंसिस मानी डॉक्यूमेंट यानी कि सर्टिफिकेशन, अगर हम क्लियर कर दें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वी विल क्रैक दिस मार्केट। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल इन वियतनाम, बट अ मार्जिनल वी कैन से प्लेयर्स इन द इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड मलेशिया। तो बट ऑब्वियसली ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है कि इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया के अंदर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ विक्स यानी कि फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कोऑपरेशन, ये एक ऐसा इंस्पेक्शन काउंसिल है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी सर्टिफिकेशन की, अगर उनके थ्रू आपको सर्टिफिकेशन मिला है तो बट ऑब्वियस है कि आप इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बट ये सर्टिफिकेट को लेने के लिए देर आर सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशन, तो बट ऑब्वियस है इसकी बदौलत शायद कहीं ना कहीं हम इसको टैप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा कि हम कहाँ पे मतलब अटक रहे हैं। गुड्स स्कोप इन म्यांमार, लाओस, कंबोडिया एंड फिलीपाइंस, इस कंट्री के अंदर भी बहुत अच्छे स्कोप्स है हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट के। इंडिया सिंगापुर की बात करें दोस्तों तो सिंगापुर के अंदर ऑलमोस्ट प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री है, ऑलमोस्ट 6 प्रोडक्ट को आप बात कर दीजिए, 6 के अलावा हजारों प्रोडक्ट जो टोटली ड्यूटी फ्री है, मतलब सिंगापुर का मार्केट कंप्लीट ओपन है, बट डेफिनेटली
इन्होंने ड्यूटी फ्री खाली इंडिया को नहीं बट दुनिया के बहुत सारे कंट्री को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की परमिशन दी है, तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। बट यस, फोकसेबल तो है क्योंकि इंडिया उससे बहुत नज़दीक है और वहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर इंडियंस भी बहुत सारे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो आप सप्लीमेंट कर सकते हैं जो अलग अलग इंडियन प्रोडक्ट के फॉन्ड ऑफ है। यस, तो डेफिनेटली 6 प्रोडक्ट के अंदर कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है एंड कुछ एम्यूनेशन प्रोडक्ट्स है, एम्यूनेशन यानी कि हथियार जिसके अंदर उन्होंने ड्यूटी को अप्लाई किया है, और लीकर, बाकी सारी प्रोडक्ट जो है वो ड्यूटी फ्री है। अगर हम इंडिया की ऑफर की बात करें, इंडिया की ऑफर श्रीलंका सिंगापुर के लिए, तो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर इंडिया ने ऑफर किया है कि आप यहाँ पे ड्यूटी फ्री या तो कंसेशनल ड्यूटी में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसी तरह से सर्विस के अंदर भी फाइनेंशियल सर्विसेज को हमने ऑफर किया हुआ है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा हिंड्रेंस है जो है वो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो 40% आरवीसी के तौर पे चाहिए, यानी कि रीजनल वैल्यू कंटेंट आपकी प्रोडक्ट में 40% लोकल होना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि हमारी डायमंड इंडस्ट्रीज जो है या तो गोल्ड इंडस्ट्री जो अलग अलग ये ज्वेलरी तैयार करती है, तो ये ज्वेलरी के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि डायमंड हम इंपोर्ट करते हैं और गोल्ड भी ज़्यादातर हमारा इंपोर्टेड है। यस, तो अगर हम डायमंड कोई भी ज्वेलरी की बात करें तो इसमें इंडिया के अंदर हम खाली उसको प्रोसेस ही करते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि गुजरात सबसे बड़ा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है फिनिश डायमंड का, तो ज्वेलरी के अंदर जब ये तैयार होके हम उसको फिनिश बनाते हैं ना, तो रीजनल वैल्यू कंटेंट जो 35% या तो 40% होना चाहिए, इनकी जगह पे ओनली 20% to 25% ही रहता है। क्यों? क्योंकि बाकी का जो प्रोडक्ट है वो तो इम्पोर्टेड है, तो खाली हमने उसको फिनिश ही किया है, तो फिनिशिंग के तौर पे खाली वैल्यू एडिशन 20% हुआ, तो बट ऑब्वियस है कि वो ड्यूटी फ्री नहीं जाता है। हाँ, वैसे तो ड्यूटी के साथ तो आप कर ही सकते हैं एक्सपोर्ट, इसमें कोई इश्यू नहीं है, बट अगर ड्यूटी फ्री अगर वो जाएगा तो बट ऑब्वियस हमारे लिए बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। ओके, फ्यूचर में हम देखते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आती है, क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, डायमंड इंडस्ट्री एंड गोल्ड इंडस्ट्री, ज्वेलरी खास तौर पे, तो बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस भी इसके ऊपर है। इंडिया श्रीलंका की अगर हम बात करें तो ये स्पेशल एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट है स्पेसिफिकली ये दोनों कंट्री के एक दूसरे के बारे में। श्रीलंका के टैरिफ की बात करें तो 319 प्रोडक्ट को उन्होंने ड्यूटी एलिमिनेट प्रोडक्ट के तौर पे लिस्ट में डाला है, यानी कि ये 319 प्रोडक्ट जब इंडिया से एक्सपोर्ट होगा तो उसके ऊपर ड्यूटी जीरो होगा। 889 प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर ड्यूटी जो है वो फेज्डली धीरे धीरे जीरो की गई है, मतलब पहले 10% था, फिर 9 किया, 8 किया, 7, 6, 5, इस तरह से जीरो। एंड कुछ प्रोडक्ट ऐसी है, कुछ 2700 प्रोडक्ट जिसके अंदर अभी भी ड्यूटी जो है वो एप्लीकेबल है बट रिडक्शन के अंदर, यानी कि 20% था, हाल में 5%, 6%। उसी तरह से अगर इंडिया की बात करें तो नेगेटिव लिस्ट के अंदर 431 प्रोडक्ट है, 25% 25% टैरिफ जो है वो रिडक्शन कर दिया गया है 605 प्रोडक्ट पे। एकदम इमीडिएट टैरिफ का रिडक्शन 1357 प्रोडक्ट पे है। जब आप श्रीलंका से इंपोर्ट करते हैं इंडिया में तो ऐसी 1357 प्रोडक्ट है जहाँ पे इमीडिएट इसके अंदर टैरिफ का एलिमिनेशन है। एंड रेसिडुअल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो 2870 प्रोडक्ट्स है। यस, इंडिया मार्कसर, ये अल्टीमेटली जो मैंने बताया मार्कसर यानी उरुग्वे, पैराग्वे, ये नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज, जो 6 कंट्रीज का क्लस्टर है। यस, जिसके अंदर 452 प्रोडक्ट्स ऐसी है जो कंसेशनल रेट पे इंडिया से आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके वहाँ ड्यूटी जो है वो जीरो होगा, जिसमें खास तौर पे मीट एंड मीट प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स, डाइज, पिगमेंट, स्कीन्स, आर्टिकल्स, कॉटन यान, ग्लास, ग्लासवेयर, देयर आर, दिस इज द लिस्ट इज ऑलरेडी गिवन विद रिस्पेक्ट टू द वी कैन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो मार्कसर और इंडिया के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स है ना उसको आप रीड करेंगे तो ये सारी एचएस कोड आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट है जब हम कोई कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं तो नॉन टैरिफ बैरियर कौन कौन से लागू होते हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया कि इंडिया से जब कोई प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है ना तो वहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। अब देखिए, ये टैरिफ बैरियर होता तो उसके ऊपर ड्यूटी एप्लीकेबल होता, चाहे वो एंटी डंपिंग हो या चाहे काउंटर बेलिंग हो, इट कुड बी एनीथिंग। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे कि इंडिया ने चाइनीज जो टॉयज है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया। यस, तो इस बजट के बाद ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इतना बढ़ा दिया कि अब चाइनीज टॉय यहाँ पे बहुत महंगे पड़ते हैं, अगर आप इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे तो आपको सस्ते गिरेंगे। कहीं ना कहीं ये स्टेप इसलिए लिया गया क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कम हो दूसरे कंट्री के ऊपर, एंड लोकल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बट ऑब्वियस है कि लोकल इंडस्ट्रीज के थ्रू हमारा जो भी वेल बीइंगनेस है वो क्रिएट होगा। तो दोस्तों, इसी बात को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो मान लीजिए चाइना से कोई प्रोडक्ट आता है और मैं उसके ऊपर ड्यूटी इंक्रीज करता हूँ तो इसे हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर, कि मैंने टैरिफ के ऊपर ड्यूटी को इंक्रीज किया तो ये बैरियर हो गया,
चाइना के लिए कि हम इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. यस, बट अगर हम नॉन टैरिफ की बात करें तो नॉन टैरिफ का मतलब होता है ऐसे कुछ सर्टिफिकेशंस जो आपने प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई किए हैं. जब तक आपका एक्सपोर्टर वो सर्टिफिकेशंस क्लियर नहीं कर पाएगा तब तक वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यूएस एफडीए. आप यूएस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, फूड प्रोडक्ट को, तो आप सबको पता है कि आपको यूएस एफडीए का लाइसेंस वहां पे प्रेजेंट करना होगा, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ द प्रोडक्ट टू बी इंपोर्टेड इन यूएसए. एंड दिस इज व्हाट हैपन विद अ नॉन टैरिफ बैरियर, जिसके अंदर दो चीजें खास तौर पे समझना जरूरी है, एसपीएस एंड टीबीटी. सो व्हाट इज एसपीएस? इट इज कॉल्ड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट. दोस्तों ये सर्टिफिकेट जनरली कोई भी कंट्री के द्वारा इसलिए मांगा जाता है क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां के ह्यूमन एनिमल और प्लांट लाइफ जो है ना उसको कोई रिस्क ना हो. बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया ए फोर साइज पेपर मैंने मलेशिया के अंदर मान लीजिए एक्सपोर्ट किया. अब जब ये मलेशिया के अंदर एक्सपोर्ट हुआ और वहाँ से जितने भी वहाँ के जो लोकल्स जो सेलर है उन्होंने उसको सेल करना चालू किया, तो बट ऑब्वियसली ये पेपर हजारों या तो लाखों लोगों के टच में आएंगे. यस और नॉट? क्योंकि ये जो पेपर इंपोर्ट कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? पर्टिकुलरली प्रिंट निकलवाने के लिए. यस, तो वो बहुत सारी ऑफिस में जाएंगे, बहुत सारी स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे और अलग अलग बहुत सारे एरिया में जाएंगे. तो बट ऑब्वियसली जितने लोग ये पेपर को टच करेंगे वो उसके साथ अगर कोई भी इसके साथ डिजीज जुड़ा हुआ है तो इसके कनेक्ट में आएंगे. जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के अंदर यही एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जब किसी के संगत में आते हैं तो आपको भी लगने के चांसेस है. सेम तरह से आप सोचिए, अगर कोई वायरस को मैंने पेपर पे डाल दिया और वो वायरस वाला पेपर मैंने उस कंट्री में भेज दिया, तो बट ऑब्वियस है वो इतने सारे लोगों को स्प्रेड हो सकता है कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते. यस, उस चीज को कहीं ना कहीं उस चीज से बचने के लिए कोई भी कंट्री एसपीएस का रूल्स लागू करता है, यानी कि उसके सर्टिफिकेशन लागू करता है. तो क्या होता है कि जब आपका कंटेनर यहाँ से लोड होके एक्सपोर्ट होता है ना, तो उसके पहले इसको फ्यूमिगेट किया जाता है. और फ्यूमिगेट का मतलब क्या होता है? इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है. दिस इज कॉल्ड एसपीएस. एंड दूसरा है टेक्निकल बैरियर इन ट्रेड. अब दोस्तों टेक्निकल बैरियर इज लिटिल बिट डिफरेंट. टेक्निकल बैरियर मतलब क्या? अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेट पैरामीटर्स को फोकस करके सामने वाला कंट्री आपकी प्रोडक्ट जो है ना उसको अबाइड करता है, या तो उसको मतलब इंपोर्ट करने से उसको स्टॉप करता है. तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो अल्टीमेटली टेक्निकल बैरियर इन ट्रेड में जाते हैं? जैसे कि सबसे पहला तो ये कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर ये कंटेंट है जो कंटेंट हम यहाँ पे इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं दे रहे. और बट ऑब्वियस है कुछ प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसमें कंटेंट वो कंटेंट के अलावा आप प्रोडक्ट तैयार ही नहीं कर सकते. तो डेलिबरेटली उस कंट्री ने क्या किया, उस कंटेंट को पकड़ा और कंटेंट को पकड़ के उसके ऊपर टेक्निकल बैरियर डाल दिया कि भैया आपकी प्रोडक्ट में ये कंटेंट है, ये सब्सटेंस है, ये नहीं चलेगा. तो दिस काइंड ऑफ द टेक्निकल बैरियर. टेक्निकल बैरियर के अंदर अगर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की हम बात करें तो उसके साइज को लेके, उसके जो डायमेंशन है उसको लेके, इसके अंदर भी कुछ टेक्निकल बैरियर्स हो सकते हैं. एंड इसके अलावा बट ऑब्वियस है सर्टिफिकेशन वुड बी द बिगेस्ट टेक्निकल बैरियर. जैसे मैंने आपको बताया यूएस एफडीए, तो अगर आप यूएस के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस वक्त आपके पास यूएस एफडीए नहीं है, तो उसी तरह से बहुत सारे कंट्रीज के अंदर अलग अलग टेक्निकल बैरियर्स के तौर पर ऐसे सर्टिफिकेशन होते हैं. अगर वो नहीं है तो शायद आप वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ना कर पाए. तो ये तो खास तौर पे बड़े नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो अल्टीमेटली अलग अलग कंट्रीज लगाते हैं, बट ये कोई इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. अगर आप इसको प्रॉपरली फोकस करके स्टडी करेंगे तो शायद आप इससे आराम से वी कैन से कॉम्पीट भी कर पाएंगे और वो टेक्निकल बैरियर को निकाल के आप एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे. रूल्स ऑफ ओरिजिन, जो मैंने आपको आगे बताया कि 35% आपका रीजनल वैल्यू कंटेंट होगा तभी जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो उस कंट्री में इम्पोर्ट करने की परमिशन दी जाएगी. और लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज द कॉम्प्लायंसिस डॉक्यूमेंट. आई एम टेलिंग यू, सबका एक बहुत निजी क्वेश्चन होता है कि किस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यूज करें. मेरे को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूज करना है, चलिए मैं कहीं पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यूज मुझे करना हो तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, उसके लिए क्या कॉम्प्लायंसिस है? दोस्तों इसमें और कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी 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 सिंपल थिंग. यू जस्ट हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बट प्रेफरेंशियल. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जब आप एक्सपोर्ट या तो इम्पोर्ट करते हैं, ये आपको प्रेजेंट करना पड़ता है. कोई भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दुनिया के कोई भी कोने में कर लीजिए. ये सर्टिफिकेट ओरिजिन के दो टाइप है, एक प्रेफरेंशियल एंड दूसरा नॉन प्रेफरेंशियल.
नॉन प्रेफरेंशियल मतलब आपका जो सादा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आता है जो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी आपको बना के दे देगी, लेकिन मैं प्रेफरेंशियल की बात कर रहा हूँ क्योंकि जब हम ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें आपका जो भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो प्रेफरेंशियल होगा, तभी जाके अल्टीमेटली सामने वाला कंट्री प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने की परमिशन देगा। एंड सो आई हैव प्रेजेंटेड ओवर हियर दैट यू सी, यहाँ पे दिया गया आपको पहला एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट आप्टा, दूसरा यहाँ पे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, एंड तीसरा है सार्क प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यस ट्रेडिंग एग्रीमेंट के हिसाब से। तो दिस वन इज द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, जैसे आपका सादा ये वी कैन से नॉन प्रेफरेंशियल जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है ना, उसी तरह का ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, कोई फर्क नहीं है। बट छोटा सा डिफरेंस यही है कि ये स्पेसिफिकली कोई एक एग्रीमेंट के अंडर में आपको फ्री ट्रेड जब करना हो तो उसके लिए तैयार किया गया है, और इसके लिए जो एजेंसीज काम करती है उसमें से सबसे बड़ी एजेंसी है EIA, यानी कि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। 95-97% ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल है वो जनरेट करने का काम आपका EIC या तो EIA यानी कि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज या तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल करती है। गॉट इट? सो दोस्तों, दिस इज व्हाट अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, किस तरह से ये काम करता है, क्या क्या इनके बेनिफिट्स है, और बट ऑब्वियस देर आर सेवरल अपॉर्चुनिटी लाइज इनसाइड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो जब आप प्रोडक्ट का लिस्ट वगैरह सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया से बहुत सारी प्रोडक्ट के लिए हम मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों हालांकि हम ये समझ सकते हैं कि फूड के अंदर जनरली क्या है कि वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर हम अगर हमारे नेबर्स कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट जो है वो UAE कंट्रीज में और गल्फ कंट्रीज में है, बिकॉज वहाँ पे कुछ होता नहीं है तो दे आर इम्पोर्टिंग लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर हम हमारे आजू बाजू के कंट्री की बात करें, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, बर्मा हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, वियतनाम, फिलीपींस, उसके अलावा सिंगापुर, चाइना, जापान, कोरिया, ये कोई भी कंट्री आप ले लीजिए, हो सकता है कि वहाँ पे वो खुद भी इसका प्रोडक्शन करते हो क्योंकि यहाँ की जो ऑलमोस्ट एटमोसफियर है वो समान है। पर आई एम टेलिंग यू दैट राइट नाउ द बिग मार्केट ओपनिंग फॉर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। दोस्तों पिछले 4-5 सालों से डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में इतना हैवी उछाल देखने को मिला है, तकरीबन ये इंडस्ट्री 130% के हिसाब से अभी ग्रोइंग कर रही है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल, अगर उसको प्रॉपरली स्लाइस करके रिहाइड्रेट करके अगर एक्सपोर्ट करने के अंदर हम फोकस करें तो मुझे लगता है कि ये सारे मार्केट हम बहुत अच्छे से टैप कर पाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारी इकोनॉमी ऐसी है जहाँ पे जितने भी लोग घर में रहते हैं वो सब काम करते हैं और इसके लिए इतना इसके पास टाइम नहीं है कि वो घर पे आके कुक करे। एंड यू ऑल आर नोइंग दैट कि जो भी इंडियंस बाहर के कंट्री में आज रहते हैं वो रेडी टू ईट फूड को इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो हमारा पाव भाजी हो, चाहे वो मसाला हो, या चाहे कोई सब्जी हो, एवरीथिंग, देर आर सेवरल प्रोडक्ट्स, इवन पानी पूरी दे आर इम्पोर्टिंग। यस, सो दीज आर द बिग एरियाज जिसको हम फोकस कर सकते हैं डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के अंदर। और इसका मार्केट जो है, मार्केट कैप इसका $6.6 बिलियन है, आई एम रिपीटिंग $6.6 बिलियन, और इंडिया से इसका एक्सपोर्ट है $5.5 मिलियन। कैन यू इमेजिन द गैप? इट इज नॉट इवन अ 1%। सो पोटेंशियल, फ्यूचर पोटेंशियल को अगर आप फोकस करेंगे और उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूज करेंगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली यू विल क्रैक आउट द मार्केट। सो एक एग्जाम्पल भी मैं आपको इसके बारे में देना चाहूंगा कि दोस्तों इक्वाडर जो है ना, इक्वाडर ये एक्चुअली नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री है, इक्वाडर, हाँ, बट ये छोटा सा कंट्री जापान को एवरी ईयर $52 मिलियन जो है उसका एक्सपोर्ट करता है। $52 मिलियन इक्वाडर जापान के अंदर $52 मिलियन का वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता है, जो तकरीबन 17,000 किलोमीटर दूर है और हम 5,000-6,000 किलोमीटर दूर है, और हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो है वो ओनली $5 मिलियन। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दी देर आर सेवरल पैरामीटर्स। एक तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा बिल्कुल कि हमारे जो स्टडी है ना वो इतनी कच्ची है कि शायद हम इसको क्रैक नहीं कर पाए हैं, एंड सेकेंडली उसकी रिक्वायरमेंट को हम समझ नहीं पा रहे हैं।
बाकी जापानीज आर फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड प्रोडक्ट्स, हाँ दे लव द इंडियन फूड प्रोडक्ट्स, बट उनको क्या चाहिए, कैसा टेस्ट चाहिए, अगर हम इसको कनेक्ट करें तो मुझे लगता है डेफिनेटली हम इसके अंदर बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज व्हाट द थिंग्स आई वांट टू एक्सप्लेन, आई वांट टू वी कैन से टॉक विथ यू एंड डिसेमिनेट विथ यू। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये जो छोटी छोटी न्यूआंसेस, अगर इसको आप फोकस कर ले तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फोकस करके आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर पाएंगे विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, एंड चाइना जैसे बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी आप कम्पीट कर सकेंगे, क्योंकि जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यूज़ करके चाइना से, चाइना के कॉम्पिटिटर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे तो बट ऑब्वियस है आपका प्रोडक्ट सस्ता उस कंट्री में इंपोर्ट होगा। और ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, देर आर सेवरल कंट्रीज जहाँ पे एक्सपोर्ट करते वक्त वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप भी ये बनाते हैं, लाइक यू सी वेरी फंडामेंटल एंड वेरी थॉटफुल ये एरिया है। आप सोचिए आपको कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी हो, कोई भी प्रोडक्ट आप ए टू जेड कोई भी ले लीजिए, आपके दिमाग में सबसे पहला कंट्री कौन सा आता है? बट ऑब्वियस चाइना। ये सेम प्रॉब्लम है वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के लिए, जब वो थॉट करते हैं ना थॉट प्रोसेस में कि कहाँ से इंपोर्ट करें तो बट ऑब्वियस अलीबाबा एंड चाइना सामने आते हैं। एंड सो पीपल्स आर आस्किंग दैट कि आपके कंट्री में भी ये बनता है, हमको तो लगा चाइना ही बनाता है। सो फाइनली एक सेंटेंस जो सबके लिए लागू होता है, जो दिखता है वो बिकता है, जितना अच्छा आपका मार्केटिंग होगा ना बट ऑब्वियस है उतना प्रोडक्ट वो बिकेगा। देर आर सेवरल प्रोडक्ट जो चाइना इतना महंगा बेचता है जिससे हम सस्ता बनाते हैं और उसके अलावा क्वालिटी भी अच्छी बनाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट अभी तक वो मार्केट में पहुंचा ही नहीं है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। एंड दिस इज व्हाट द ट्रूथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट राइट नाउ हम एक्सपोर्ट के अंदर वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक हमको होना चाहिए था। चाइना हमसे आज 10 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इसका रीजन भी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही है कि उनके जो ट्रेड पैक्ट है उसका बेनिफिट लेना और उसके अलावा गवर्नमेंट जो है उसके बेनिफिट्स को लेके वो आगे ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह पे एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों आने वाली 3 तारीख को यानी कि 3 अप्रैल को हमने एक और वेबिनार रखा है अपॉर्चुनिटीज इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से आप अपने आप को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए कंपेटिबल बना सकते हैं। इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड एंड डेफिनेटली अगले 10 सालों में हम दुनिया के top 5 एक्सपोर्टर में बिल्कुल होंगे, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज आज ग्रोन कर रही है, जिस तरह से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस तरह से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में ये जो चेंजेस आ रहा है एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके ऊपर जो खास तौर पे फोकस कर रही है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो डेफिनेटली मैं आपसे वापस मिलना चाहूँगा 3 अप्रैल 2020 को, जब सैटरडे को रात को 9 से 11 बजे, आई एम रिपीटिंग रात को 9 से 11 बजे, जहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस, जिनके टॉपिक मैंने यहाँ पे दिया हुए हैं, व्हाट टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिस्क इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस, बायर फाइंडिंग, बायर की जेन्युइनिटी, गवर्नमेंट की क्या हेल्प होती है, कस्टम क्लियरेंस, रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ कैन आई स्टार्ट वगैरह। एंड अगर आप ये जो पूरा का पूरा वेबिनार आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे लिया हुआ है उसको आप रिपीट चेक करना चाहते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स को किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारा ये यूट्यूब चैनल है भारत उड़ान मिशन का, आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को कल देख पाएंगे और ये फ्री एक्सेस में होगा तो एवरीवन कैन चेक इट आउट। और इसके अलावा हम इतने प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है तो आप हमारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। वंस अगेन हमारी जो चैनल है उसका नाम है भारत उड़ान मिशन और हमारा मिशन इसी तरह से फोकस है कि कहीं ना कहीं इंडियन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके हम उसको वर्ल्ड वाइड पहुँचा पाए, जिससे कि हमारा रेवेन्यू जनरेट करके जो भी सुखाकारी उसमें हम कुछ वैल्यू एड कर पाए। सो दिस इज व्हाट अवर सेंट्रल कॉलिंग नंबर, आप उसके ऊपर हमारा हमको कनेक्ट कर सकते हैं एंड ये हमारा अल्टीमेटली ईमेल एड्रेस है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्टिसिपेशन इन दिस ब्यूटीफुल वेबिनार एंड आई होप यू गॉट लॉट्स ऑफ वैल्यू एडिशन एंड डेफिनेटली जब आज जो भी बात हमने की है अगर उन चीज़ों को आप फ्यूचर में फोकस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड जो टाइम आपने यहाँ पे दिया है 1 to 2 घंटे हो चुके हैं, 1 hour and 45 minutes, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि आपके साथ सारी चीज़ें अगर डिस्कस होती है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, एंड सो आई हैव टेकन द टाइम, सॉरी फॉर दैट, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसने आपके नॉलेज के अंदर वैल्यू एड किया होगा। यस दोस्तों अभी के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, सो आई एम टू मच सॉरी,
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज कनेक्ट पर्सनली कर सकते हैं, ये हमारा सेंट्रल नंबर है तो आप उसके ऊपर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9727, या तो आप वेबसाइट पे चले जाएंगे वहां पर भी मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली एंड डेफिनेटली मैं आपके जो भी क्वेश्चन होगा इसका मैं सॉल्यूशन करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्टिसिपेशन इन दिस ब्यूटीफुल वेबिनार। सो मिलते हैं वंस अगेन 3 अप्रैल को कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।